हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। दिस इज़ कल्प शाह फ्रॉम कल्प शाह सीए क्लासेस, एंड आज हम देखेंगे सीए फाइनल का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर बिजनेस कॉम्बिनेशन इन डेज 103 का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम देखेंगे कंटिंजेंट पेमेंट्स टू एम्प्लॉय शेयर होल्डर्स एंड कंटिंजेंट कंसिड्रेशन। और सीए इंस्टीट्यूट के जितने भी सम्स है सीए इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में वो देखेंगे, जो बाकी है जो हमारे आगे के लेक्चर में नहीं हुए, जिसमें खासकर हम 36 नंबर का सम है जो सबसे बड़ा है, प्रोफेशनल लिमिटेड एंड डायनेमिक लिमिटेड, वो वाला सम देखेंगे। उसके बाद टेस्टी और नॉलेज के जो हमने सेकंड नंबर का सम किया है, उसके अलावा हम थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ सम्स करेंगे। और इससे पहले हम समझेंगे कंटिंजेंट पेमेंट्स टू एम्प्लॉय शेयर होल्डर्स क्या होता है और किस किस प्रकार के कंटिंजेंट कंसिडरेशन हो सकते हैं और कब उसको पीसी का पार्ट गिनना है और कब नहीं गिनना है। ठीक है, डायरेक्टली मुद्दे पे आ जाते हैं। कंटिंजेंट पेमेंट्स टू एम्प्लॉय शेयर होल्डर्स, देखिए तीन प्रकार के कंसिडरेशन होते हैं। सबसे पहले तो जो मेन पीसी जो आज दिए जाने वाला है। सेकंड है डिफर्ड कंसिडरेशन। जो डिफर्ड कंसिडरेशन होता है, मतलब कि आप एक साल या दो साल के बाद चुकाने वाले हो, लेकिन उसका कोई कंडीशनल नहीं है कि भाई आप ये करोगे, ये टारगेट अचीव करोगे तो ये कंसिडरेशन मिलेगा। वो तो मिलने ही वाला है, उसको कहेंगे डिफर्ड कंसिडरेशन। फिर थर्ड है कंटिंजेंट कंसिडरेशन, दैट मीन्स दिट इज डिपेंड अपॉन सम कंटिंजेंसी। अगर आप ये अचीव करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो वो मिलेगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से देखना है कि कंटिंजेंट कंसिडरेशन और जो है डिफर्ड कंसिडरेशन। जो डिफर्ड कंसिडरेशन होता है उसका आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, और जो कंटिंजेंट कंसिडरेशन उसका एक्विजिशन डेट का फेयर वैल्यू निकालना है। मैं आपको लिखवा देता हूँ, पी सी दैट इज पेड टूडे, पेड ऑन एक्विजिशन डेट। सेकेंड है डिफर्ड कंसिडरेशन, जिसका आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। आप प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। थर्ड है कंटिंजेंट कंसिडरेशन, तो ये तीनों का जो टोटल होगा वो हमारा टोटल पीसी कहा जाएगा, और कंटिंजेंट कंसिडरेशन को हम फेयर वैल्यू ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन से निकालेंगे। सीए इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल में कंटिंजेंट कंसिडरेशन का सबसे पहले जिक्र 13.26 नंबर के पेज पे किया गया हुआ है, जो जनरल कंटिंजेंट कंसिडरेशन की बात कर रहा है। फिर 13.46 नंबर के पेज पर कंटिंजेंट पेमेंट्स टू एम्प्लॉय शेयर होल्डर्स है, वो दो प्रकार के कंटिंजेंट कंसिडरेशन की बात कर रहे हैं। मैं आपको सी इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल का पेज नंबर लिखवा देता हूँ। 13.26 पे कंटिंजेंट कंसिडरेशन का जनरल बात किया गया है, और 13.46 पे आपका पेमेंट टू कंटिंजेंट पेमेंट टू एम्प्लॉय शेयर होल्डर। हम सबसे पहले 13.26 पे आ जाते हैं। द कंसिडरेशन द अक्वायरर ट्रांसफर्स इन एक्सचेंज फॉर द अक्वायरी इंक्लूड एनी असेट और लाइबिलिटी रिजल्टिंग फ्रॉम अ कंटिंजेंट कंसिडरेशन अरेंजमेंट, यानी कि आपको कंसिडरेशन के पोर्शन में कंटिंजेंट कंसिडरेशन का भी पोर्शन गिनना है। तो वो कैसे होता है उसका, इसके अंदर हमने देखा था कि एक्चुअल कंसिडरेशन, डिफर्ड एंड कंटिंजेंट तीनों को मिलाकर हम पीसी देंगे, लेकिन उसको कौन सी वैल्यू पे लिखा है। तो जो जैसे मैंने आपके बताया, उसको फेयर वैल्यू ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन लेना होता है। द अक्वायरर शैल रिकॉग्नाइज द एक्विजिशन डेट फेयर वैल्यू, एक्विजिशन डेट फेयर वैल्यू ऑफ कंटिंजेंट कंसिडरेशन एज पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन ट्रांसफर्ड इन एक्सचेंज फॉर द अक्वायरी। अने आपने अक्वायरी कंपनी को खरीदा, उसके बदले में आपने जो भी कंटिंजेंट कंसिडरेशन दिया है उसको पीसी का पार्ट मानना है, और उसको ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन की फेयर वैल्यू पे उसको पीसी में ऐड करना है।
ठीक है, इतना सिंपल सा है. द अक्वायरर शैल क्लासीफाई एन ऑब्लिगेशन टू पे कंटिंजेंट कंसीडर एज अ लायबिलिटी और एज एन इक्विटी ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन ऑफ एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट एंड अ फाइनेंशियल लायबिलिटी इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियन 32 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. अब आप ये कंटिंजेंट कंसिडरेशन को इक्विटी गिनते हैं, लायबिलिटी गिनते हैं, इसके लिए आपको इंडियस 32 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स प्रेजेंटेशन में जाना होगा, या तो फिर अदर कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसके लिए एप्लीकेबल है उसमें जाना होगा. लेकिन नॉर्मली इसको आप इक्विटी मान सकते हो. द अक्वायर सेल क्लासीफाइज एन असेट अ राइट टू द रिटर्न ऑफ प्रीवियसली ट्रांसफर कंसिडरेशन इफ स्पेसिफाइड कंडीशंस आर मेट. अ फेयर वैल्यू ऑफ द असेट ट्रांसपोर्ट और लायबिलिटी इनकर्ड शुड बी मेजर्ड ऑन द एक्विजिशन डेट टू डिटरमाइन द फेयर वैल्यू. एनी डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शुड बी रिकॉर्डेड डायरेक्टली इन P&L एंड शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन PC. ये हमने आगे देखा था आगे के लेक्चर में, जैसे कि फाइंडर्स कॉस्ट, फिर आपका जो स्टैम्प ड्यूटी वगैरह होता है वो PC का पार्ट नहीं होता है, वो हम आगे के लेक्चर में देख चुके हैं. फिर हम इसका एग्जाम्पल जो दिया है इंस्टीट्यूट ने वो पढ़ते हैं. कंपनी ए अक्वायर्स कंपनी बी इन अप्रैल 2001 फॉर कैश. द एक्विजिशन अग्रीमेंट स्टेट्स दैट एन एडिशनल 20 million ऑफ कैश विल बी पेड टू बीज फॉर्मर शेयर होल्डर्स इफ बी सक्सेस इन अचीविंग सर्टेन स्पेसिफाइड परफॉर्मेंस टारगेट्स. सो ये जो जितना 20 million तो अभी देना ही है, बाद में आपको और कंसिडरेशन मिलेगा अगर जो कंपनी बी है उन्होंने स्पेसिफाइड टारगेट्स को अचीव कर दिया. ए डिटरमाइंस द फेयर वैल्यू ऑफ द कंटिंजेंट कंसिडरेशन टू बी 15 million एट द एक्विजिशन डेट. एट अ लेटर डेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ मीटिंग द सेट परफॉर्मेंस टारगेट बिकम्स लोअर. जब उन्होंने एक्विजिशन किया तब उसको लग रहा है कि इसकी 75% प्रोबेबिलिटी है ये टारगेट अचीव करने की. तो अगर टारगेट तो उनको देना कितना है 20 million अगर टारगेट अचीव होता है तो, लेकिन वो अचीव होने की संभावना कितनी है, तो 20 million इंटू 0.75. यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको फेयर वैल्यू ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन उन्होंने जो 15 million दिए उसके ऊपर से ये अज्यूम किया जाता है कि 70.75 उसकी संभावना है, उसकी प्रोबेबिलिटी है अचीव होने की. ठीक है, तो इसलिए उसका कंटिंजेंट कंसिडरेशन 15 million है और बाद में वो कम हो जाता है प्रोबेबिलिटी. एट अ लेटर डेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ मीटिंग द सेट परफॉर्मेंस टारगेट बिकम स्लोअर. लेकिन हमको तो कौन से दिन की फेयर वैल्यू देखनी है, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन. लेटर देन क्या होता है वो तो उसको हमें नहीं देखना है. अभी पीसी गिनते हुए तो पीसी गिनते समय तो हमको सिर्फ 15 million गिनने हैं. एज सर्टेन कंसिडरेशन इज यहाँ पे आप 15 million पे अंडरलाइन कर सकते हो. At certain consideration is based on achieving certain performance parameters in future, the consideration is contingent on achieving those parameters. As such, the transaction involves contingent consideration. Further, since the consideration is to be settled for a variable amount in cash, such consideration would be in nature of financial liability rather than equity. यहाँ पे equity अगर वो variable fix का test pass होता है तो उसको आप equity ले सकते हो. अगर fix for fix का test pass नहीं होता तो उसको आप लायबिलिटी ले सकते हो. उसके लिए आपको इंडेस जो है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का वो आपको डीप में देखना होगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा. इंडेस 32 है, 7 है, 9 है, सारे आप देख सकते हो, 107, 109. फिर एज एट द एक्विजिशन डेट द अक्वायरर शुड कंसीडर द एक्विजिशन डेट फेयर वैल्यू ऑफ द कंटिंजेंट कंसीडरेशन एज पार्ट ऑफ द बिजनेस कॉम्बिनेशन. जो कंसिडरेशन दिया जा रहा है कंटिजेंटली उसको आपको एक्विजिशन डेट की फेयर वैल्यू गिन के उसको पीसी में ऐड करना है. जो आज दे रहे हैं उसमें कंटिजेंट कंसिडरेशन ऐड करना है. अकॉर्डिंगली सच रिकग्निशन वुड इंक्रीज गुडविल और रिड्यूस गेन और ऑन बार्गेन परचेज. ठीक है, वो तो आप कैलकुलेशन करते ही हो. इन द अबव एग्जाम्पल इफ द चांस ऑफ मीटिंग द परफॉर्मेंस क्राइटेरिया बिकम्स लेस प्रोबेबल देन इन सच अ केस द कंटिजेंट कंसिडर इन द फ्यूचर इन द नेचर ऑफ लायबिलिटी शुड बी रीमेजर्ड इन द इम्पैक्ट फॉर द चेंज इन द फेयर वैल्यू शुड बी रिकग्नाइज इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L. पहले आपको लगा कि 15 million देना पड़ेंगे लेकिन बाद में लगता है एक्विजिशन के बाद 2 महीने या 2-1 साल के बाद कि भाई ये 2 साल का या 3 साल का टारगेट अचीव नहीं हो रहा है तो 15 लाख की लायबिलिटी आप कम भी कर सकते हो. लायबिलिटी टू P&L आप ऐसे रिवर्स एंट्री भी कर सकते हो. ठीक है, अब हम परचेस प्राइस का एलोकेशन तो हमने देख लिया है. अगले लेक्चर में हमने कंटिंजेंट कंसिडरेशन का खाली रिवाइज कर दिया और हम 15.46 पेज पर आ जाएंगे, 15.46 नंबर के पेज में.
उसमें लिखा है कंटिंजेंट पेमेंट्स टू एम्प्लॉय शेयर होल्डर्स। अगर एम्प्लॉय शेयर होल्डर्स को आप कंटिंजेंट पेमेंट देते हो तो क्या करना है, वो इसके ट्रीटमेंट यहाँ पे दी गई हुई है। वेयर अरेंजमेंट्स फॉर कंटिंजेंट पेमेंट्स टू एम्प्लॉयज और सेलिंग शेयर होल्डर्स आर कंटिंजेंट कंसिडरेशन इन द बिजनेस कॉम्बिनेशन और आर सेपरेट ट्रांजेक्शन, सॉरी, वेदर अरेंजमेंट्स फॉर कंटिंजेंट पेमेंट्स टू एम्प्लॉयज और सेलिंग शेयर होल्डर्स आर कंटिंजेंट कंसिडरेशन इन द बिजनेस कॉम्बिनेशन और सेपरेट ट्रांजेक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द अरेंजमेंट। आप जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ है उसको पेमेंट देने वाले हो या फिर सेलिंग शेयर होल्डर जो कंपनी में से शेयर बेच के आपको दे रहे उसको जो पेमेंट देने वाले हो वो कंटिंजेंट कंसिडरेशन या सेपरेट ट्रांजेक्शन है, वो नेचर पर डिपेंड करता है किस प्रकार का अरेंजमेंट है। अंडरस्टैंडिंग द रीजन्स वाई द एक्विजिशन अग्रीमेंट इंक्लूड्स द प्रोविजन फॉर कंटिंजेंट पेमेंट who initiate the arrangement and when the parties entered into arrangement may be helpful in assessing the nature of arrangement। ये arrangement किसने किया था, इसका payment कितना है and when the parties entered into the arrangement may be, यानी कि parties ने इस arrangement में कब entry की, तो वो सब भी मायने रखता है कि ये contingent payment है, PC का part है या तो फिर separate arrangement है। देखिए, इट इज़ नॉट क्लियर whether an arrangement for payments to employees or selling salary is part of the exchange or acquiry, पार्ट ऑफ द एक्सचेंज फॉर द अक्वायरी और इज अ ट्रांजेक्शन सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस कमिशन, द अक्वायरर शैल कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर्स। ये आपको इंडिकेटर्स है, ये इंडिकेटर्स में से आप ध्यान रख सकते हो। इसमें सबसे पहला है कंटिन्यूइंग एम्प्लॉयमेंट। अगर किसी एम्प्लॉय को बोला जाता है कि आप एम्प्लॉयमेंट छोड़ दोगे, आपको 3 साल के अंदर कंपनी में रहना है और 3 साल से पहले अगर कंपनी छोड़ देंगे तो आपको ये कंटिंजेंट पेमेंट नहीं मिलेगा, तो उसका मतलब क्या हुआ, जो एम्प्लॉय शेयर होल्डर छोड़ देगा तो वो शेयर होल्डर की कैपेसिटी में वो कंटिंजेंट कंसिडरेशन नहीं पा रहा है, वो एक एम्प्लॉय के कैपेसिटी में पा रहा है, तो वो पीसी से अलग हो गया, वो पीसी से सेपरेट हो गया। आप इसको पढ़ सकते हो, अगर उसका फोरफिट हो जाता है कंटिंजेंट कंसिडरेशन, अगर 3 साल या 2 साल जो सर्विस कंडीशन है स्पेसिफाइड टर्म तक, वो ड्यूरेशन तक अगर वो जॉब नहीं करता तो उससे वो कंसिडरेशन का राइट वेव हो जाता है और या फिर वो राइट छीन लिया जाता है, तो इसको मानेंगे कि वो पीसी का पार्ट नहीं है। देखिए, द टर्म्स ऑफ द कंटिन्यूइंग एम्प्लॉयमेंट बाय द सेलिंग शेयर होल्डर्स वो बिकम की एम्प्लॉयज में बी एन इंडिकेटर ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द कंटिंजेंट कंसिडरेशन। द रेलेवेंट टर्म्स ऑफ द कंटिन्यूइंग एम्प्लॉयमेंट में बी इंक्लूड इन द एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट, एक्विजिशन अग्रीमेंट और सम अदर अग्रीमेंट। ये जो कंटिंजेंट कंसिडरेशन की बात कहाँ पर लिख सकते हो, एम्प्लॉय और एम्प्लॉय की अग्रीमेंट यानी कि अक्वायरी कंपनी और उसके एम्प्लॉयज, या तो फिर एक्विजिशन अग्रीमेंट यानी अक्वायरर और अक्वायरी कंपनी के बीच में, या सम अदर डॉक्यूमेंट। अ कंटिंजेंट कंसिडरेशन इन विच द पेमेंट्स आर ऑटोमेटिकली फोरफिटेड, ये सेंटेंस सबसे इंपॉर्टेंट। अ कंटिंजेंट कंसिडरेशन अरेंजमेंट इन विच द पेमेंट्स आर ऑटोमेटिकली फोरफिटेड इफ एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट्स इज रेम्यूनरेशन फॉर पोस्ट कॉम्बिनेशन सर्विसेज। अगर आपने जॉब छोड़ दी तो आपका जो भी कॉम्पेंसेशन या फिर जो भी आपका कंटिंजेंट कंसिडरेशन अक्रू हुआ था वो अगर फोरफिट हो जाता है तो वो आप जॉब कर रहे हो इसलिए आपको मिल रहा है, ना कि आप कंपनी बेच रहे हो, आपके शेयर्स बेच रहे हो। ठीक है, अरेंजमेंट इन विच द कंटिंजेंट पेमेंट्स आर नॉट अफेक्टेड बाय द एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन मे इंडिकेट दैट द कंटिंजेंट पेमेंट्स आर एडिशनल कंसिडरेशन रादर देन रेम्यूनरेशन। अगर कुछ ऐसा अरेंजमेंट है अगर जिसमें आपने जॉब छोड़ भी दी और फिर भी आपको ये जो पैसे तो मिलने वाले वो मिलने ही वाले हैं, तो अगर दूसरे फैक्टर्स उसको सपोर्ट कर रहे तो उसको मान सकते हैं वो पीसी का पार्ट है और वो एडिशनल कंसिडरेशन जो मैंने आपको यहाँ पे इसमें आपको पहले बताया। देखो, ये जो 3 बताया ना, पेड ऑन एक्विजिशन डेट, डिफर्ड कंसिडरेशन और कंटिंजेंट कंसिडरेशन, अगर आप जॉब छोड़ भी देते हो फिर भी आपको पैसे मिल रहे क्योंकि आप सिर्फ शेयर होल्डर थे इसलिए आपको पैसे मिल रहे, तो आपको मानना है कि वो एडिशनल कंटिंजेंट कंसिडरेशन है और उसकी फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को पीसी में ऐड करना है। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ कंटिन्यूइंग एम्प्लॉयमेंट, इफ द पीरियड ऑफ रिक्वायर्ड एम्प्लॉयमेंट कोइंसाइड्स विद और इज लॉन्गर देन द कंटिंजेंट पेमेंट पीरियड, देन दैट फैक्ट मे बी इंडिकेट दैट द कंटिंजेंट पेमेंट्स आर इन सब्सटेंस रेम्यूनरेशंस। अगर आपको ऐसा बोला जा रहा है कि आप 3 साल में कंपनी को इतना टारगेट अचीव करना है और 3 साल में 3 साल आपको कंपनी के साथ रहना भी है, तो वो साफ जाहिर करता है कि
3 साल तक आप कंपनी में रह रहे हो तो ही आपको पैसे मिल रहे हैं कंटिंजेंट कंसिडरेशन के, भले ही कंपनी ने टारगेट अचीव कर दिया हो प्रॉफिट्स का, लेकिन आपको पैसे नहीं मिलेंगे क्योंकि आपने जॉब 3 साल कंटिन्यू नहीं की, या 3 साल का टारगेट प्रॉफिट का था और आपको 4 साल जॉब करने का बोलो या 3 साल का जॉब करने का बोलो, तो वो फिर कंटिंजेंट कंसिडरेशन इन द नेचर ऑफ रेम्यूनरेशन हो गया, वो पोस्ट कॉम्बिनेशन पीरियड में PNL में जाएगा, न कि PC का पार्ट बनेगा। लेकिन अगर आपका जो कंटिंजेंट कंसिडरेशन 3 साल के प्रॉफिट पे डिपेंडेंट है और आपको बोला जा रहा है कि आपको आधा साल जॉब करना है या 1 साल जॉब करना है ताकि आपका आप नए एम्प्लॉयज़ को ट्रेन कर पाओ, तो वो हो सकता है कि वो PC का पार्ट है, क्योंकि आपको जब तक कंटिंजेंट कंसिडरेशन की जो टर्म है टारगेट प्रॉफिट की और आपकी जॉब की टर्म है वो कोइंसाइड करती है, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि वो पोस्ट प्रॉफिट सॉरी पोस्ट कॉम्बिनेशन रेम्यूनरेशन है। फिर लेवल ऑफ रेम्यूनरेशन यहाँ पे आप अंडरलाइन कर सकते हो, लॉन्गर देन फिर लेवल ऑफ रेम्यूनरेशन, सिचुएशन इन विच एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन अदर देन द कंटिंजेंट पेमेंट इज एट अ रीजनेबल लेवल इन कंपैरिजन विद दैट ऑफ अदर की एम्प्लॉयज इन द कंबाइंड एंटिटी में इंडिकेट द कंटिजेंट पेमेंट्स आर एडिशनल कंसिडरेशन रादर देन रेम्यूनरेशन। ये क्या बोलना चाहता है कि आपको जो एडिशनल कंसिडरेशन दिया जाता है वो दूसरे की एम्प्लॉयज के जितना ही दिया जा रहा है, तो हो सकता है कि वो आपका PC का पार्ट हो। लिखा है सिचुएशन इन विच एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन अदर देन द कंटिजेंट पेमेंट इज एट रिजनेबल लेवल इन कंपेरिजन विद दैट ऑफ अदर की एम्प्लॉयज इन द कंबाइंड एंटिटी, यानी कि आपने जॉब ले ली नई कंपनी में, आपके पास पुरानी कंपनी के शेयर्स थे और नई कंपनी में जो की एम्प्लॉयज़ है उस समझ लो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है या फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है, उसके जितना ही आपको सैलरी दिया जा रहा है, तो हो सकता है कि आपको जो कंटिंजेंट पेमेंट दिया जा रहा है वो PC का पार्ट हो। फिर इंक्रीमेंटल पेमेंट्स टू एम्प्लॉय इफ सेलिंग शेयर होल्डर्स वो डोंट बिकम एम्प्लॉय रिसीव लोअर कंटिंजेंट पेमेंट्स ऑन अ प्री शेयर बेसिस देन द सेलिंग शेयर होल्डर्स वो बिकम एम्प्लॉयज ऑफ द कंबाइंड एंटिटी, दैट फैक्ट में इंडिकेट दैट द इंक्रीमेंटल अमाउंट ऑफ कंटिंजेंट पेमेंट्स टू द सेलिंग शेयर होल्डर्स वो बिकम एम्प्लॉयज इज रेम्यूनरेशन। देखो दो बंदे थे ए और बी, दोनों के पास सेम नंबर ऑफ शेयर्स थे, लेकिन अगर ए जो ए है वो नई कंपनी में एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यू करता है और बी नहीं करता है, तो ए को ज़्यादा कंटिंजेंट कंसिडरेशन मिल रहा है और बी को कम मिल रहा है, तो ए को जो ज़्यादा कंटिंजेंट कंसिडरेशन मिल रहा है इंक्रीमेंटल, जो दोनों समझ लो ए को 100 मिल रहा है और बी को सिर्फ 80 मिल रहा है, तो जो 80 और 100 का डिफरेंस है जो 20, वो इंक्रीमेंटल पेमेंट्स टू मिस्टर ए है और मिस्टर ए को 20 इसलिए मिला क्योंकि वो उन्होंने जॉब की, तो जॉब की तो फिर वो तो जॉब का रेम्यूनरेशन हो गया, वो PC का पार्ट कैसे हुआ, तो फिर 80-80 ही कंटिंजेंट कंसिडरेशन गिनेंगे। ठीक है, फिर है नंबर ऑफ शेयर्स ओन्ड, द रिलेटिव नंबर ऑफ शेयर्स ओन्ड बाय द सेलिंग शेयर होल्डर्स हु रिमेन एज की एम्प्लॉइज मे बी एन इंडिकेटर ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द कंटिंजेंट कंसिडरेशन अरेंजमेंट, कि आपके पास कितने शेयर्स थे जब आप शेयर्स बेच रहे हो और आप नई कंपनी में की एम्प्लॉयज बन रहे हो, तो आपके पास कितने शेयर्स थे पुरानी कंपनी में, वो भी एक मायने रखता है कि कंटिंजेंट कंसिडरेशन एज पार्ट ऑफ PC है या फिर पोस्ट कॉम्बिनेशन रेम्यूनरेशन है। फॉर एग्जाम्पल इफ द सेलिंग होल्डर्स वो ओन सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द शेयर्स इन द अक्वायरी कंटिन्यू एज की एम्प्लॉयज, दैट फैक्ट मे इंडिकेट दैट द अरेंजमेंट इज इन सब्सटेंस अ प्रॉफिट शेयरिंग अरेंजमेंट इंटेंडेड टू प्रोवाइड रेम्यूनरेशन फॉर पोस्ट कॉम्बिनेशन सर्विसेज। जो पहले जितने भी शेयर होल्डर्स थे जिनके पास जो एम्प्लॉयज थे और जिनके पास करीबन मोस्ट ऑफ द शेयर्स थे वो सारे कंटिन्यू हो रहे हैं नई कंपनी में और उनको की एम्प्लॉयज बनाया जा रहा है, तो जो पहले भी कंपनी में थे उनको पूरी पूरे पूरे दिन कंपनी में काम करते थे और की एम्प्लॉयज होने की वजह से उनको भी पहले भी तनख्वाह मिलती थी और नई कंपनी में भी वो कंटिन्यू हो रहे, तो एक जाहिर सी बात है कि वो PC का पार्ट नहीं है, वो सिर्फ एक कंपनी के पहले भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में थे, अभी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नई कंपनी में भी, तो फिर वो PC का पार्ट नहीं हो सकता। देखो क्या लिखा है, द सेलिंग शोल्डर्स वो ओन सब्सटेंशियल ऑल ऑफ द शेयर्स इन द अक्वायरी कंपनी
continue as a key employees. That fact may indicate that the arrangement is in substance a profit sharing arrangement intended to provide remuneration to post combination services. Alternatively, if the selling shareholders who continue as key employees owned only a small number of shares of the acquiree and owned only a small number of shares of acquiree and all selling shareholders receive the same amount of contingent consideration on a pre-share basis, that fact may indicate that the contingent payments are additional consideration or additional. Agar bahut kam jo shareholder hai jo key employees purani company mein the aur wo bahut kam shareholder jo employees hai wo nayi company mein continue kar rahe unke paas bahut kam shares the, sorry, jo purani company mein employees the, अब नई कंपनीज में भी एम्प्लॉयज बन रहे हैं लेकिन जो पुरानी कंपनीज में एम्प्लॉयज थे उसमें उन लोगों के पास पुरानी कंपनी के बहुत ही कम शेयर्स थे और बहुत ही ज़्यादा शेयर्स होते तो मान सकते कि उसको पीसी का पार्ट हो लेकिन बहुत ही ज़्यादा शेयर्स है तो ऐसा मानना है कि वो रेम्यूनरेशन का पार्ट है लेकिन अगर बहुत ही कम शेयर्स थे तो हो सकता है कि वो एडिशनल कंसिडरेशन का पार्ट हो. द प्री एक्विजिशन ओनरशिप इंटरेस्ट हेल्ड बाय पार्टीज रिलेटेड टू द सेलिंग shareholders who continue as key employees such as family members should also be considered. For linkage to the valuation, if the initial consideration transferred at the acquisition date is based on the low end of a range established in the valuation of the acquiree and the contingent formula relates to that valuation approach, that fact may suggest that the contingent payments are additional consideration. Alternatively, if the contingent payment formula is consistent with prior profit sharing arrangement, that fact may suggest that the substance of the arrangement is provide remuneration. इसमें क्या कहना चाहते हैं कि वैल्यूएशन की रेंज होती है और वैल्यूएशन की रेंज में समझ लो कि इस कंपनी का वैल्यूएशन 74 रुपीज़ पर शेयर से 84 रुपीज़ पर शेयर है और जो पेमेंट दिया जा रहा है वो अभी 74 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से दिया जा रहा है तो बाकी का जो पेमेंट दिया जाएगा हो सकता है वो कंटिंजेंट कंसिडरेशन वो पी सी का पार्ट हो ज़्यादा संभावना है क्योंकि लो एंड पे दिया लो एंड ऑफ रेंज आपको पेमेंट दिया गया था. देखो आपको अंडरलाइन करना है लो एंड ऑफ रेंज फिर में suggests that the contingent payments are additional consideration. Alternatively, if the contingent payment formula is consistent with prior profit sharing arrangement, that fact may suggest that the substance of the arrangement is provide remuneration. पहले भी जो prior profit sharing arrangement देते थे acquisition पहले वही profit sharing अब key employees को बाद में भी दिया जा रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे उन लोगों को वगैरह को CFO CEO वगैरह को प्रॉफिट शेयरिंग पहले भी इतना दिया जा रहा था अभी भी इतना ही दिया जा रहा है नई कंपनी में तो फिर वो एडिशनल पीसी कैसे हुआ. ठीक है वो पोस्ट कॉम्बिनेशन रेम्यूनरेशन हुआ. फिर फॉर्मूला फॉर डिटरमाइनिंग कंसिडरेशन तो फॉर्मूला यूज टू डिटरमाइन द कंटिंजेंट कंसिडरेशन सॉरी कंटिंजेंट पेमेंट मे बी हेल्पफुल इन असेसिंग द सब्सटेंस ऑफ द अरेंजमेंट. अब किस फार्मूला पे आप एम्प्लॉयज़ को कंटिंजेंट पेमेंट दे रहे हो तो वो भी हेल्पफुल हो सकता है. फॉर एग्जांपल इफ़ अ कंटिंजेंट पेमेंट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल ऑफ अर्निंग्स यानी कि पी रेशियो पे दिया जा रहा है दैट माइट सजेस्ट दैट द ऑब्लिगेशन इज कंटिंजेंट कंसिडरेशन इन द बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड दैट द फार्मूला इज इंटेंडेड टू एस्टैब्लिश और वेरीफाई द फेयर वैल्यू ऑफ द अक्वायरी. अगर पी रेशियो के तहत दिया जा रहा है कंटिंजेंट कंसिडरेशन कि कंपनी इतना पी रेशियो दो साल में अचीव करेगी तो आपको इतना पेमेंट मिलेगा तो हो सकता है वो पी सी का पार्ट हो. इन कॉन्ट्रास्ट कंटिंजेंट पेमेंट दैट इज स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ अर्निंग्स माइट सजेस्ट दैट द ऑब्लिगेशन टू एम्प्लॉयज इन अ प्रॉफिट शेयरिंग अरेंजमेंट टू रेम्यूनरेशन रेम्यूनरेट एम्प्लॉयज फॉर सर्विसेज रेंडर्ड यानी कि अगर आपको ऐसा बोला जाए कि आपको इतना कंटिंजेंट पेमेंट जो है वो जितना कंपनी अर्न करेंगी उतना पोर्शन मिलेगा आपको. प्राइस अर्निंग शेयरियो का रेशियो का मतलब क्या होता है कंपनी की प्राइस क्या होगी पी रेशियो क्या मेंटेन होगा उसके ऊपर है. और दूसरा क्या है कि आपको प्रॉफिट का परसेंटेज दिया जा रहा है तो प्रॉफिट का परसेंटेज दिया जा रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ वो पोस्ट कॉम्बिनेशन रेम्यूनरेशन का पार्ट है. लेकिन अगर पी रेशियो के डिपेंडेंट पी रेशियो के बेस पे आपको कंटिंजेंट कंसिडरेशन दिया जा रहा है तो मान सकते हैं कि वो पी सी का पार्ट है. ये सम में आ रहा है जो 36 नंबर का सम है इसमें यही पार्ट है. ये जो आपको खास अंडरलाइन कर लेना है इन अ कॉन्ट्रास्ट इन कॉन्ट्रास्ट कंटिंजेंट पेमेंट्स दैट इज स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ अर्निंग्स
might suggest that the obligation to employees is a profit sharing arrangement to remunerate employees for services rendered. और उसमें उसकी contingent consideration की value zero ली जा रही है, क्योंकि वो PC में zero ली जा रही है और post combination में उसको ली जा रही है. देखिए मैं आपको उसमें आपको बता देता हूँ, सम नंबर 36 आप इसको देख सकते हो. सम नंबर 36 में आप पढ़ सकते हो कि यहाँ से सम शुरू हो रहा है, थर्टी फाइव है, उसके बाद फिर 36 है जो है. इसमें प्रोफेशनल लिमिटेड और डायनेमिक लिमिटेड, प्रोफेशनल लिमिटेड डायनेमिक लिमिटेड को टेक ओवर कर रहा है. लेकिन उसमें इसमें कंटिंजेंट कंसिडरेशन है, उसका जो पैरा है उसमें हम डायरेक्ट आ जाते हैं. प्रोफेशनल लिमिटेड ऑल्सो अग्रीड टू पे, बी नंबर का पॉइंट है उसमें. प्रोफेशनल लिमिटेड ऑल्सो अग्रीड टू पे एन एडिशनल अमाउंट एज कंसिडरेशन दैट इज हायर ऑफ 35 लैक्स, हायर ऑफ 13. सबसे पहले 35 तो मिनिमम देना ही देना है, तो 35 देना ही देना है. और दूसरा क्या देना है, 25% ऑफ एनी एक्सेस प्रॉफिट इन द फर्स्ट ईयर आफ्टर एक्विजिशन ओवर इट्स प्रॉफिट्स इन द ओवर इट्स प्रॉफिट्स इन द प्रीसीडिंग 12 मंथ्स मेड बाय डायनेमिक लिमिटेड. यानी कि आप समझ लो कि पिछले साल में उसका 10 लाख का प्रॉफिट था और आपने कर दिया 60 लाख का, तो 10 लाख से 60 लाख में एक्स्ट्रा कितना हुआ, 50 लाख. तो 50 लाख का 25% आपको, यानी कि 12.5 लाख या 35 लाख, दोनों में से जो हायर होगा वो मिलेगा. ठीक है, ऐसी कंडीशन है. क्या लिखा है, 25% ऑफ एनी एक्सेस प्रॉफिट्स इन द फर्स्ट ईयर. अब फर्स्ट ईयर का एक्सेस प्रॉफिट, लेकिन एक्सेस कितने से, आफ्टर एक्विजिशन, आफ्टर एक्विजिशन के फर्स्ट ईयर का एक्सेस प्रॉफिट ओवर इट्स प्रॉफिट इन द प्रीसीडिंग 12 मंथ्स, पिछले 12 महीने का प्रॉफिट लेने का, उसको कंपेयर करने का, एक्विजिशन के 12 महीने के बाद का प्रॉफिट और जो डिफरेंस एक्सेस का आया उसका 25%. दिस एडिशनल अमाउंट विल बी ड्यू आफ्टर टू ईयर्स, और ये पे कब करनी है, 2 साल के बाद पे करनी है. 35 लैक्स और 25% ऑफ एक्सेस ऑफ एक्सेस प्रॉफिट इन जो एक्सेस प्रॉफिट कंपेयर करना है पिछले 1 साल से. ठीक है, डायनेमिक लिमिटेड हैज अर्न 10 लैक्स प्रॉफिट इन द प्रीसीडिंग ईयर एंड एक्सपेक्ट्स टू अर्न अनदर 20 लैक. पिछले साल में उन्होंने 10 लाख कमाए थे और अगले साल में दूसरे 20 लाख कमाने की संभावना है. यानी कि एक्सेस कितना हुआ 10 लाख से, एक्सेस 20 लाख में से 10 लाख लेस करें तो 10 लाख एक्स्ट्रा हुआ, लेकिन उसका 25% 2.5 लाख होता है, तो हायर कितना है, 35 लाख. लेकिन हमको इस सब में ये नहीं देखना है कि हायर कितना है, इसमें क्या है कि ये 25% ऑफ एनी एक्सेस प्रॉफिट जो दिया जा रहा है वो कुछ इस तरह से है कि वो एज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है तो इसलिए उसको कंटिंजेंट कंसिडरेशन की वैल्यू एज अ पार्ट ऑफ पीसी नहीं लेनी है. देखो हम इसको यहाँ पे आंसर में देख सकते हैं. There is a difference between the contingent consideration and deferred consideration. In the given case, 35 is the minimum payment to be paid after 2 years. आपको payment कितना करना है, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ. थर्टी फाइव लैक्स तो करना है, विच एवर इज हायर ही करना है. तो अगर ये वाला पोर्शन जीरो भी आया तो 35 लैक्स तो करना ही करना है, विच एवर इज हायर, तो ये तो मिनिमम ही हो गया. और कब करना है, आफ्टर 2 ईयर्स. और जो एक्सेस प्रॉफिट का 25%, 25% ऑफ एक्सेस प्रॉफिट्स, और एक्सेस प्रॉफिट किससे कंपेयर करना है, पिछले ऑफ लास्ट ईयर एक्सेस प्रॉफिट, जो है लास्ट ईयर का, तो लास्ट ईयर का था 10 लाख और इस साल का एक्सपेक्टेड है 20 लाख, तो 20 लाख और 10 लाख का एक्सेस 10 लाख हुआ, उसका 25% आप लिख सकते हो. लेकिन ये 2.5 लाख है वो पोस्ट कॉम्बिनेशन का पार्ट होगा, ये पीसी का पार्ट नहीं होगा. क्योंकि पीसी का पार्ट क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट के डिपेंडेंट है.
देखो इसमें आप देख सकते हो उसका आंसर 35 इज द मिनिमम पेमेंट टू बी पेड आफ्टर 2 ईयर्स एंड अकॉर्डिंगली विल बी कंसिडर्ड एज डिफर्ड कंसिडरेशन द अदर एलिमेंट इज, और 35 को डिफर्ड मान लिया, उसको कंटिजेंट नहीं माना क्योंकि उसमें कोई कंटिजेंसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो तो देना ही देना है. अदर एलिमेंट इज इफ द कंपनी मीट सर्टेन टारगेट देन दे विल गेट 25% ऑफ दैट और 35 विच एवर इज हायर. इन द गिवन केस सिंस द मिनिमम वॉट इज एक्सपेक्टेड टू बी पेड द फेयर वैल्यू ऑफ द कंटिजेंट कंसिडर हैज बीन कंसिडर एज जीरो. अब जो फेयर वैल्यू है इन द गिवन केस सिंस द मिनिमम वॉट इज एक्सपेक्टेड टू बी पेड द फेयर वैल्यू ऑफ द कंटिजेंट कंसिडर उन्होंने जीरो की नहीं है, ठीक है. द इम्पैक्ट ऑफ द टाइम वैल्यू ऑफ डिफर्ड कंसिडरेशन हैज बीन गिवन एट 10%. और ये जो 35 लाख देने हैं वो 2 साल के बाद देने, तो उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लाना है और उसका डिस्काउंटिंग रेट 10% सम्स में दिया हुआ है, शायद लास्ट लाइन में दिया हुआ है, अज्यूम 10% डिस्काउंटेड. तो आपको उसको कंटिजेंट कंसिडरेशन कैसे मानना है, जीरो, और जो डिफर्ड कंसिडरेशन है उसको इस तरह से मानना है 35 की प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 35 इज इक्वल टू 35 अपॉन 1.1 raised to 2. आपको कैलकुलेटर में करना है तो 1 divided by 1.10 दो बार दबाएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 35 के लिए 1 divided by 1.10 12 मल्टीप्लाई बाय 35 लैक्स तो आएगा 28.92. अब इसको आपको इक्विटी में लेना है या लायबिलिटी में लेना है. अगर फिक्स फॉर फिक्स है तो इक्विटी में लेना है, और फिक्स फॉर फिक्स टेस्ट पास नहीं करता है तो फिर वो लायबिलिटी में जाएगा. उसके अलावा अब अदर एग्रीमेंट्स एंड इश्यू भी देखने हैं. कंटिजेंट जो कंसिडरेशन है वो पीसी का पार्ट है या पोस्ट कॉम्बिनेशन सर्विसेज का रेम्यूनरेशन का पार्ट है, वो आपको इसके लिए दूसरे मुद्दे भी ध्यान में रखने हैं. जैसे अदर एग्रीमेंट्स एंड इश्यू द टर्म्स ऑफ अदर अरेंजमेंट्स विद द सेलिंग शेयर होल्डर्स सच एज एग्रीमेंट्स नॉट टू कम्पीट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स, कंसल्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड प्रॉपर्टी लीज एग्रीमेंट्स एंड द इनकम टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ कंटिजेंट पेमेंट्स मे इंडिकेट दैट द कंटिजेंट पेमेंट्स आर एट्रिब्यूटेबल टू समथिंग अदर देन कंसिडरेशन फॉर द अक्वायरी. इस सब चीज़ों में से आप जान सकते हो कि वो पीसी का पार्ट है या नहीं. फॉर एग्जाम्पल इन कनेक्शन विद द एक्विजिशन द अक्वायर माइट एंटर इन टू प्रॉपर्टी लीज अरेंजमेंट विद द सिग्निफिकेंट सेलिंग शेयर होल्डर इफ द लीज पेमेंट स्पेसिफाइड इन द लीज कॉन्ट्रैक्ट आर सिग्निफिकेंटली बिलो मार्केट सम और ऑल ऑफ द कंटिजेंट पेमेंट्स टू द लेसर रिक्वायर्ड द लेसर इज सेलिंग शेयर होल्डर रिक्वायर्ड बाय अ सेपरेट अरेंजमेंट फॉर कंटिजेंट पेमेंट्स माइट बी इन सब्सटेंस पेमेंट फॉर यूज ऑफ द लीज प्रॉपर्टी दैट द एक्वायरर शुड रिकॉग्नाइज सेपरेटली इन इट्स पोस्ट कॉम्बिनेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इन कॉन्ट्रास्ट इफ द लीज कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइज लीज पेमेंट दैट आर कंसिस्टेंट विद मार्केट टर्म्स फॉर द लीज प्रॉपर्टी द अरेंजमेंट फॉर कंटिजेंट पेमेंट्स टू द सेलिंग होल्डर मे बी कंटिजेंट कंसिडरेशन इन द बिजनेस कॉम्बिनेशन. अब इसका एग्जांपल देखते हैं. केकेवी लिमिटेड अक्वायर्स 100% शेयर इन वीमा लिमिटेड अ कंपनी ओन्ड बाय अ सिंगल शेयर होल्डर वो इज ऑल्सो द के एम पी इन द कंपनी. वीवा लिमिटेड में एक ही शेयर होल्डर है वो और की मैनेजरियल पर्सन वो खुद है. फॉर अ कैश पेमेंट ऑफ $20 million एंड अ कंटिजेंट पेमेंट ऑफ $2 million. अभी आपको पीसी 20 मिलियन देना है और 20 अभी देना है और 2 कंटिजेंट कंसिडरेशन है. द टर्म्स ऑफ द अग्रीमेंट प्रोवाइड फॉर पेमेंट आफ्टर 2 ईयर्स आफ्टर द एक्विजिशन इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर मेट. कंटिजेंसी क्या है, कौन सी कंडीशंस पे आपको ये 2 मिलियन मिल रहे हैं. 20 मिलियन तो मिलने ही मिलने हैं. द EBITDA या EBITDA अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन टैक्स एंड अमोर्टाइजेशन मार्जिन्स ऑफ द कंपनी आफ्टर 2 ईयर्स आफ्टर द एक्विजिशन इज 20%. आपको EBITDA 20% अचीव करना है 2 ईयर्स में.
ठीक है, द फॉर्मर शेयर होल्डर कंटिन्यूज टू बी एम्प्लॉयड विद वीवा लिमिटेड फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स। और जो फॉर्मर शेयर होल्डर है, एक ही बंदा था पूरी कंपनी में, उसको वीवा लिमिटेड की, उस बंदे को KKV लिमिटेड में कंटिन्यू करना कंपलसरी है एटलीस्ट 2 ईयर्स आफ्टर एक्विजिशन। नो पार्ट ऑफ द कंटिजेंट पेमेंट विल बी पेड इफ द फॉर्मर शेयर होल्डर डज नॉट कम्प्लीट द 2 ईयर एम्प्लॉयमेंट पीरियड। अगर वो 2 साल काम नहीं करा तो उसको पैसे नहीं मिलेंगे कंटिजेंट कंसिडरेशन, भले ही EBDIT ये अचीव हो चुका है। तो ये साफ से जाहिर करता है ये पोस्ट रेम्यूनरेशन सर्विस का पार्ट है, एज अ कंसिडरेशन ऑफ परचेस कंसिडरेशन का पार्ट नहीं है। क्योंकि अगर वो उसने जॉब छोड़ दी तो पैसे नहीं मिलेंगे, तो उसको पैसे जो मिल रहे थे वो जॉब करने के मिल रहे थे, कंपनी बेचने के लिए नहीं मिल रहे थे। ठीक है, इन द सिनेरियो द फॉर्मर शेयर होल्डर इज रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू इन एम्प्लॉयमेंट टू द एंड द कंटिजेंट कंसिडरेशन विल बी फोरफिटेड इफ द एम्प्लॉयमेंट इज टर्मिनेटेड और ही रिजाइंस अकॉर्डिंगली। ओनली $20 मिलियन इज कंसिडर एज PC। PC सिर्फ 20 मिलियन है, 2 मिलियन है वो कंटिजेंट कंसिडरेशन एज अ पोस्ट कॉम्बिनेशन सर्विस है, और वो एम्प्लॉय कॉस्ट के तौर पर उसका अकाउंटिंग किया जाएगा। उसका एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, ABC लिमिटेड अक्वायर्स ऑल ऑफ द शेयर होल्डिंग्स ऑफ XYZ लिमिटेड। ABC ने पूरी XYZ लिमिटेड के पूरे शेयर्स खरीदिए इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन। XYZ लिमिटेड हैड 3 शेयर होल्डर्स, उनके पास कुल मिला के 3 शेयर होल्डर्स विद इक्वल शेयर होल्डिंग, हर एक के पास 33.33, 33, 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 33
शेयर्स थे और तीन में से दो सीनियर लेवल एम्प्लॉयज ऑफ द एक्स वाई जेड लिमिटेड थे उसी कंपनी के, एंड वुड कंटिन्यू एज एम्प्लॉय पोस्ट एक्विजिशन ऑफ शेयर्स बाय एबीसी लिमिटेड। वो तीन में से दो एक्विजिशन के बाद भी एबीसी लिमिटेड में काम करेंगे, जैसे पहले एक्स वाई जेड लिमिटेड में वो टॉप एम्प्लॉयज थे, इसी तरह पे वो एक्स एबीसी लिमिटेड में टॉप एम्प्लॉयज बन जाएंगे। द एम्प्लॉय शेयर होल्डर ईच विल रिसीव 60 लैक्स प्लस एन एडिशनल पेमेंट ऑफ 1.5 करोड़ टू 2 करोड़ बेस्ड ऑन अ मल्टीपल ऑफ अर्निंग्स ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर्स। ये तीनों शेयर होल्डर्स को द एम्प्लॉय शेयर होल्डर्स, सॉरी, जो उसमें से 3 शेयर होल्डर विद इक्वल टू, तीन में से दो एम्प्लॉयज थे तो दोनों को 60 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा। तो एम्प्लॉय शेयर होल्डर्स विल रिसीव 60 लैक्स प्लस एन एडिशनल पेमेंट ऑफ 1.5 करोड़ टू 2 करोड़ बेस्ड ऑन द मल्टीपल ऑफ अर्निंग्स ओवर द 2 ईयर्स। और जैसे जैसे उसका मल्टीपल्स ऑफ अर्निंग बढ़ गया, पी रेशियो बढ़ा, वैसे वैसे उसको 1.5 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में और पैसे मिलेंगे। द नॉन एम्प्लॉय शेयर होल्डर ईच रिसीव 1 करोड़, लेकिन नॉन एम्प्लॉय को सिर्फ 1 करोड़ ही मिल रहा है। जो दो है उसको 60 लाख तो मिल ही मिल रहे, ऊपर से 1.5 से 2 करोड़ के बीच में और आप उनको रेम्यूनरेशन मिल रहा है, लेकिन जो नॉन एम्प्लॉय है जिसके पास भी 33.33 शेयर है उनको ये ऑप्शन नहीं देगा, उनको सिर्फ 1 करोड़ रुपये मिल रहे हैं। द एडिशनल पेमेंट ऑफ ईच ऑफ दिस एम्प्लॉय शेयर होल्डर्स विल बी फोरफिटेड इफ दे लीव द एम्प्लॉयमेंट इन एक्स वाई जेड लिमिटेड। जो दो बंदे हैं जो सीनियर लेवल मैनेजमेंट थे वो अगर एक्स वाई जेड लिमिटेड में कंटिन्यू करते हैं और कंटिन्यू करने के बाद 2 साल से पहले छोड़ देते हैं तो उसको जो एडिशनल पेमेंट है 1.5 से 2 करोड़ के बीच में पी रेशियो के डिपेंडेंट में वो नहीं मिलेगा एट एनी टाइम। द एडिशनल पेमेंट ऑफ ईच ऑफ दिस एम्प्लॉय शेयर होल्डर्स विल बी फोरफिटेड इफ दे लीव द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड एनी टाइम ड्यूरिंग द 2 ईयर्स फॉलोइंग इट्स एक्विजिशन बाई ए बी सी लिमिटेड। द सैलरी रिसीव बाई दैम इज कंसिडर्ड रिजनेबल रेम्यूनरेशन टू देयर सर्विसेज। उनको जो सैलरी मिल रही है उनकी रिजनेबल सैलरी है। हाउ मच अमाउंट इज एट्रीब्यूटेबल टू पोस्ट कॉम्बिनेशन सर्विसेज। पोस्ट कॉम्बिनेशन सर्विसेज का पार्ट क्या है और पीसी का पार्ट क्या है? तो आपको साफ साफ दिख रहा है जो नॉन एम्प्लॉय शेयर होल्डर्स को मिल रहा है वो पूरा 1 करोड़ पीसी का पार्ट है और उनको भी 60 लाख तो मिल ही रहे हैं, दोनों को 60 60 लाख ईच विल रिसीव 60 लैक्स, तो वो पीसी का पार्ट है। लेकिन ये जो है 1.5 से 2 करोड़ दोनों को जो मिलने वाला है वो तो डिपेंडेंट अपन देयर कंटिन्यूअस जॉब इन कंटिन्यूअस जॉब। सो इफ दे डोंट कंटिन्यू द जॉब दे विल नॉट गेट 1.5 करोड़ टू 2 करोड़। पैरा, अब इसमें क्या लिखा है, पैरा B5A ऑफ इंड एस 103 प्रोवाइड्स एन इंडिकेशन दैट अ कंटिंजेंट कंसिडरेशन अरेंजमेंट इन विच द पेमेंट्स आर ऑटोमेटिकली फॉरफिटेड इफ द एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट्स इट्स रेम्यूनरेशन फॉर पोस्ट कॉम्बिनेशन सर्विसेज
ये तो पूरा पोस्ट कॉम्बिनेशन सर्विसेज हो जाएगा 1.5 से 2 करोड़ वाला. अरेंजमेंट इन विद द कंटिजेंट पेमेंट्स आर नॉट अफेक्टेड बाय एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन मे इंडिकेट दैट द कंटिजेंट पेमेंट्स आर एडिशनल कंसिडरेशन रादर देन टर्मिनेशन. अगर आप जॉब छोड़ भी देते हो 2 साल के बीच में, फिर भी आपको ये पैसे तो मिलने ही मिलने वाले क्योंकि आप शेयर होल्डर्स थे, तो वो कंटिजेंट कंसिडरेशन एडिशनल कंसिडरेशन है और वो पीसी का पार्ट है. इन अकॉर्डेंस विद द अबाउ इन द इंस्टेंस केस द एडिशनल कंसिडरेशन ऑफ 1 करोड़ to 2 करोड़ रिप्रेजेंट्स कंपेंसेशन टू पोस्ट कॉम्बिनेशन सर्विसेज. ये पोस्ट कॉम्बिनेशन सर्विसेज का पार्ट है 1.5 से 2 करोड़. लेकिन उनको भी 60 लाख तो मिलने ही वाले थे. एज सच द सेम रिप्रेजेंट दैट द पार्ट ऑफ द पेमेंट विच इज फॉरफिटेड इफ द फॉर्मर शेयर होल्डर डज नॉट रिमेन इन द एम्प्लॉयमेंट फॉर 2 ईयर्स फॉलोइंग द एक्विजिशन. ओनली 60 लाख इज एट्रीब्यूटेड टू कंसिडरेशन एक्सचेंज फॉर द अक्वायर्ड बिजनेस. तो टोटल बिजनेस कॉम्बिनेशन में कंटिजेंट कंसिडरेशन कितना हुआ? 60 लाख ईच यानी कि 120 करोड़ प्लस 1 करोड़ टू 2.2 20 करोड़ 2 करोड़ 20 लाख. ठीक है, फिर ये अवार्ड्स वाला हमने अगले लेक्चर में देखा हुआ है. प्री कॉम्बिनेशन पोस्ट कॉम्बिनेशन वो भी सब में आ रहा है जो 36 नंबर का है. नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट हमने होल्डिंग वाले अलग से वो बोर्ड वाले लेक्चर में देखा हुआ है, बोर्ड पे पढ़ाया था. कंटिंजेंट कंसिडरेशन का यहाँ पे भी जिक्र हो रहा है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट अकाउंटिंग. वो क्या बोला है? कंटिंजेंट कंसिडरेशन इनिशियल रिकॉग्निशन एट फेयर वैल्यू करना है, फिर अगर वो इक्विटी के पोर्शन में तो उसको नॉट रीमेजर, उसको बाद में रीमेजर करना नहीं है. अगर आपको उसने आपने उसको इक्विटी माना है. अदर कंटिंजेंट कंसिडरेशन विद इन द स्कोप 109 नॉट विद इन द स्कोप 109, तो उसको मेजर एट फेयर वैल्यू एट ईच रिपोर्टिंग पीरियड करना है. चेंजेस इन द फेयर वैल्यू इज कंसिडर्ड इज रिकग्नाइज इन प्रॉफिट और लॉस अकाउंट. सेम दोनों में ही है, मेजर एट फेयर वैल्यू एट इच रिपोर्टिंग डेट एंड चेंजेस इन द फेयर वैल्यू इज रिकग्नाइज इन PNL. अगर यानी कि शॉर्ट एंड स्वीट में कहना चाहता है, अगर आपने फेयर वैल्यू सॉरी अगर आपने एक्विजिशन डेट पे उसको इक्विटी माना है 109 के हिसाब से, तो फिर आपको उसको रीमेजर करने की कोई ज़रूरत नहीं. लेकिन 109 के हिसाब से आपने इक्विटी नहीं माना, लायबिलिटी माना है, तो आपको हर बार उसको रीमेजर करना है और उसका चेंज इन फेयर वैल्यू आपको प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाना है. यही आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो. सम चेंजेस इन द फेयर वैल्यू ऑफ द कंटिंजेंट कंसिडर दैट द अक्वायर रिकॉग्नाइजेस आफ्टर द एक्विजिशन डेट मे बी रिजल्ट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दैट द अक्वायर ऑब्टेन आफ्टर दैट डेट अबाउट द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस दैट एग्जिस्टेड एट द एक्विजिशन डेट. सच चेंजेस आर मेजरमेंट पीरियड एडजस्टमेंट टू द एक्सटेंट इट इज ऑन अकाउंट ऑफ कंडीशन विच एग्जिस्टेड एज ऑफ द एक्विजिशन डेट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट गुडविल. हाँ जी, लेकिन ये जो कुछ चेंजेस आ रहे हैं कंटिंजेंट कंसिडरेशन में, और उसमें से जो चेंजेस आ रहे हैं वो डेट ऑफ उस वजह से आ रहे हैं, जो वजह है, जो रीजन्स ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन में ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में थे, उस हिसाब से चेंजेस आ रहा है. तो अगर कंटिजेंट कंसिडरेशन बढ़ रहा है तो गुडविल भी बढ़ानी है, और कंटिजेंट कंसिडरेशन कम हो रहा है तो गुडविल घटानी है. और बार्गेन परचेस है और कंटिजेंट कंसिडरेशन बढ़ रहा है तो बार्गेन परचेस कम करना है. और बार्गेन परचेस है और ये जो कंटिजेंट कंसिडरेशन कम हो रहा है तो बार्गेन परचेस भी बढ़ाना है, गेन ऑन बार्गेन परचेस. हाउएवर चेंजेस रिजल्टिंग फ्रॉम इवेंट्स आफ्टर द एक्विजिशन डेट सच एज मीटिंग्स एंड अर्निंग टारगेट रीचिंग अ स्पेसिफाइड शेयर प्राइस और रीचिंग अ माइलस्टोन ऑन अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आर नॉट मेजर्ड मेंट पीरियड एडजस्टमेंट. लेकिन अगर आपको कोई टारगेट दिया गया था कि इतने अर्निंग्स करना है प्रॉफिट का, रीचिंग अ स्पेसिफाइड शेयर प्राइस यानी कि कंपनी की इतनी शेयर प्राइस हो जानी चाहिए 2 साल 1 साल 3 साल में, जो भी आपने कंडीशन रखा हो, या रीचिंग अ माइलस्टोन ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आपको कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत बड़ी खोज करनी है, ये सारी जो कंटिजेंसी है उसको कंटिजेंट इवेंट्स दैट एग्जिस्टेड ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन नहीं मानना है, और उसको खाली रीमेजर करके PNL में ले जाना है अगर आपने उसको लायबिलिटी गिना है. द अक्वायर सेल मे अकाउंट फॉर सच चेंजेस इन द फेयर वैल्यू ऑफ द कंटिजेंट कंसिडरेशन दैट आर नॉट मेजर्ड पीरियड एडजस्टमेंट आर एज फॉलोज. जो मेजरमेंट पीरियड एडजस्टमेंट है उसको गुडविल में एडजस्टमेंट करना है, और मेजरमेंट पीरियड एडजस्टमेंट नहीं है उसको आपको PNL में ले जाना है अगर वो लायबिलिटी के तौर पर रिकॉर्ड हुआ है, और नहीं इक्विटी के तौर पर रिकॉर्ड हुआ है तो उसको नॉट रीमेजर्ड.
Contingent consideration classified as equity shall not be remeasured and its subsequent settlement shall be accounted for within equity. जो भी सेटलमेंट होगा वो इक्विटी के हिसाब से ही होगा, इक्विटी इक्विटी में कुछ भी अभी रिमेजर करना नहीं है. अदर कंटिजेंट कंसिडरेशन दैट इज विद इन द स्कोप ऑफ इंड एस 109 शैल बी मेजर एट फेयर वैल्यू एट ईच रिपोर्टिंग डेट. हर साल आपको उस लाइबिलिटी की फेयर वैल्यू देखनी है, और लाइबिलिटी बढ़ रही है तो पी एन एल एक्सपेंस डेबिट करो, घट रही है तो पी एन एल क्रेडिट करो. फिर अगर वो 109 के हिसाब से भी नहीं है तो कुछ दूसरे ये इंड एस के हिसाब से भी ये फेयर वैल्यू ही निकालनी है और लाइबिलिटी का डिफरेंस पी एन एल में ही ले जाना है. यही सब अब हम कर लेते 36 जो मैं कब का बोल रहा हूँ, इसका एक पोर्शन तो मैंने आपको बता दिया कंटिंजेंट कंसिडरेशन वाला. आप सम्स को पढ़िए एक बार, बैलेंस शीट दिए उसके नीचे अदर इन्फॉर्मेशन दिए हुए, लास्ट में एप्लीकेबल रेट फॉर द बोथ द टैक्स रेट दिया है, फिर एज्यूम डिस्काउंटिंग रेट दिया है, फिर आंसर दिया है. ठीक है पढ़ते हैं. आप भी पढ़िए बैलेंस शीट को एक बार नज़र डालिए. सबसे पहले नॉन करंट असेट्स दी गई है, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट्स इन्वेंटरी फाइनेंशियल असेट. देखो अब पहले फाइनेंशियल असेट्स में ट्रेड रिसीवेबल्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स अदर्स इस तरह आते. जो इंडिया की बैलेंस शीट है उसमें करंट असेट्स में दो पार्ट है, सबसे पहले इन्वेंट्रीज उसके बाद फाइनेंशियल असेट. इन्वेंट्रीज के ऊपर ऐसा नहीं लिखना है कि नहीं लिखना है कि नॉन फाइनेंशियल असेट्स, क्योंकि वो एक ही नॉन फाइनेंशियल असेट है, लेकिन बाकी की करंट असेट्स फाइनेंशियल असेट्स होती है तो उसके ऊपर हेडिंग लगाना है फाइनेंशियल असेट. फाइनेंशियल करंट असेट्स, फिर ये फाइनेंशियल नॉन करंट असेट्स है लेकिन उसके ऊपर लिखना नहीं है, करंट असेट का ही पार्ट है. ठीक है, फिर इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 100 इच, अदर इक्विटी, और ये जो सारी अमाउंट है ना लैक्स में वो मैं आपको बताता हूँ कहाँ लिखा हुआ. लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, रिफर टैक्स, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, शॉर्ट ट्रेड पेबल्स. फिर यहाँ पे आपको कहीं लिखा हुआ है ऑल नंबर्स इन लैक्स, ये आप अंडरलाइन कर लीजिएगा. ये शायद मेरे ख्याल से यहाँ पे भी लिखा हुआ होना चाहिए था, ऑल नंबर्स इन लैक्स, मैं यहाँ पे ऐड कर देता ठीक है. उसके बाद प्रोफेशनल, अब यहाँ से सुम शुरू हो जाता है. प्रोफेशनल लिमिटेड अक्वायर 70% ऑफ द डायनेमिक लिमिटेड,
on 1st April 2002 by acquiring its own share by issuing its own share in the ratio of one share of Professional Limited for every two shares of Dynamic Limited. The fair value of the shares of Professional Limited was 40 per share. अब इसके हिसाब से आपको पहले पीसी का जो ओरिजिनल पार्ट है ना वो ये है, फर्स्ट जो मैंने तीन पार्ट लिखवाए थे पीसी के उसमें से ये फर्स्ट वाला है. देखिए पेड ऑन एक्विजिशन डेट, वो शेयर्स में भी हो सकता है, कैश में भी हो सकता है, डिबेंचर्स में भी हो सकता है, एनीथिंग. अब उसने 70% शेयर एक्वायर किए हुए और हर एक शेयर जो 70% शेयर है उसमें उसकी जगह पे आधे शेयर्स दिए हुए, वन शेयर फॉर ऑफ प्रोफेशनल लिमिटेड फॉर एवरी टू शेयर्स. अगर आपके पास दो शेयर है तो आपको सिर्फ एक शेयर मिल रहा है और हमारा जो शेयर्स मिल रहा है प्रोफेशनल का उसकी वैल्यू 40 है. देखिए आप इसका शेयर कैपिटल देख सकते हो, 400 लैक्स उसका है, तो उसके शेयर्स कितने होंगे, 100 रुपीज पर ईच है. तो आप यहाँ पर कर लीजिए, उसकी शेयर कैपिटल है 400 लैक्स, ₹100 इच के शेयर से. तो फोर नंबर ऑफ शेयर्स कितने, 400 डिवाइडेड बाय 100, इतने लैक्स हो गए, 4 लैक्स शेयर्स हो गए. उसमें से हमने कितने अक्वायर किए, 4 लैक्स इंटू 70%, 4 लाख इंटू 70%, वो है 2,80,000 शेयर्स अक्वायर किए. और उसके लिए हमने कितने शेयर्स इश्यू किए, वन शेयर फॉर एवरी टू शेयर्स, तो हाउ मैनी फॉर 2,80,000 शेयर्स, दैट इज 1,40,000 शेयर्स. 280 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2, तो 1,40,000 शेयर्स हमने इशू किए प्रोफेशनल लिमिटेड. और हर शेयर की वैल्यू कितनी थी, 40, तो परचेज कंसिडरेशन कितना हो गया, 1,40,000 मल्टीप्लाई बाय 40, तो 56 हो गए, 56 लाख. ये बेसिक वाला कंसिडरेशन हो गया. उसके बाद देखते हैं कि दूसरा कौन सा कंसिडरेशन था, वो हमने शायद देखा था. ठीक है, अगर रुपीज इन लैक्स लिखते तो ये 5 हटा देते तो 56 लैक्स हो जाएगा. तो इसका अमाउंट है 56 लैक्स, जो मेन पीसी है जो आज देने वाले हैं. फिर अब कंटिंजेंट कंसिडरेशन और डिफर्ड कंसिडरेशन देखना है. ठीक है, फेयर वैल्यू ऑफ, ये जो बीच में एक फेयर वैल्यू पीपी दिया है वो हमको फेयर वैल्यू पीपी ऑफ डायनेमिक लिमिटेड हमको उसकी गुडविल निकालने में काम आएगा, अभी नहीं निकालना, अभी पीसी में उसका कुछ काम नहीं है. प्रोफेशनल लिमिटेड आल्सो अग्रीड टू पे एन एडिशनल पेमेंट एज कंसिडरेशन दैट इज हायर ऑफ 35 लैक्स एंड 25% ऑफ एनी एक्सेस प्रॉफिट इन द फर्स्ट ईयर आफ्टर एक्विजिशन आफ्टर इट्स प्रॉफिट इन द प्रिसीडिंग 12 मंथ्स मेड बाय डायनेमिक लिमिटेड. दिस एडिशनल अमाउंट विल बी ड्यू आफ्टर 2 ईयर्स. Dynamic Limited has earned 10 lakhs profit in the preceding year and expects to earn another rupees 20 lakh. यानी कि ये बोल क्या रहा है, higher of 35 lakhs and 25% of any excess. यानी कि आपके पास दो ऑप्शन है जो मैंने आपको पहले भी समझा चुका हूँ. Higher of following है, which ever is higher. एक साइड है 35 lakhs, दूसरी साइड है 25 lakhs. Of excess profit. Whichever is higher है तो ये तो मिलने ही वाला है, मिनिमम है इतना. तो ये तो कंटिंजेंट कंसिडरेशन हुआ ही नहीं, ये तो हो गया डिफर्ड कंसिडरेशन. और ये जो है एक्सेस प्रॉफिट के बेस पर, तो उन्होंने उसकी वैल्यू जीरो ली है क्योंकि ये प्रॉफिट के बेस पर है. कंटिंजेंट कंसिडरेशन जो प्रॉफिट के बेस पे है उसको जीरो लिया जाता है, और पी रेशियो के बेस पे होता है उसको हम
उसकी फेयर वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि प्रॉफिट बेस्ड पे उसको नहीं लेते। तो उन्होंने क्या बोला है कि पिछले साल का जो प्रॉफिट था, लास्ट ईयर प्रॉफिट से जितना ज़्यादा प्रॉफिट कमाओगे उसका 25% मिलेगा। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट था 10 लाख, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ऑफ द नेक्स्ट ईयर दैट मीन्स 1 ईयर आफ्टर एक्विजिशन का जो पीरियड है उसका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है 20 लाख। तो एक्सेस हो गया 10, और 10 का 25% होता है 2.5, तो वैसे तो 2.5 लाख होना चाहिए कंटिंजन कंसिडरेशन, और इसमें से विच एवर इज हायर ही लेना है। अब ये 2.5 और 35, तो विच एवर इज हायर तो 35 हो गया, और वो तो देना ही देना है, मिनिमम है। तो ये कंटिंजन कंसिडरेशन इसमें कंफ्यूजिंग जैसे वर्ड्स है, लेकिन उसमें ज़ीरो है, और जो डिफर्ड कंसिडरेशन है वो है 35 लाख की प्रेजेंट वैल्यू। 35 लाख हमको देना है 2 साल के बाद, तो आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे 35 लाख डिवाइड बाय 1.10:2, जो आपने शायद देखा होगा सम्स के लास्ट लाइन में डिस्काउंटिंग रेट दिया हुआ है, अज्यूम डिस्काउंट रेट एट 10%। तो आप कर सकते हो 1 डिवाइड बाय 1.10 इज इक्वल टू 1 टाइम, सेकेंड टाइम मल्टीप्लाई बाय 35 इज इक्वल टू 28.92। ठीक है, तो इसको भी पीसी का मार्ट माने और राउंड ऑफ करें, अगर 28.9256 है तो उसको राउंड ऑफ करके 28.53 कर देते, सॉरी 9293 कर देते, तो सी इंस्टीट्यूट के लाइन में आ जाएगा। अब एक और कंसिडरेशन उसमें दिया गया है, वो जो रिप्लेसमेंट अवार्ड है वो भी हम देख लेते हैं। रिप्लेसमेंट अवार्ड के बारे में क्या बोलना चाहते हैं वो लोग, वो पढ़ते हैं। और इससे पहले एक सी पॉइंट है, लेकिन उसमें क्या लिखा है सी पॉइंट में कि वो बंदा है फाउंडर शेयर होल्डर, अगर वो कंटिन्यू करेगा तो ही मिलेगा, तो वो तो पोस्ट रेम्यूनरेशन का पार्ट हो गया। इन एडिशन टू अबाउ प्रोफेशनल लिमिटेड ऑल्सो हैड अग्रीड टू पे वन ऑफ द फाउंडर शेयर होल्डर अ पेमेंट ऑफ ₹20 लाख प्रोवाइडेड द ही स्टेज विद द कंपनी फॉर 2 ईयर आफ्टर द एक्विजिशन। सिर्फ कंपनी में रहने के पैसे मिल रहे हैं, ना कि उसको पीसी के पार्ट नहीं है। अगर वो कंपनी में से निकल जाता है तो उसके ये 20 लाख फोरफिट हो जाएंगे, तो वो पीसी का पार्ट नहीं है, हमने अच्छी तरह से समझ लिया है। अब डायनेमिक लिमिटेड हैड सर्टेन इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस पेमेंट अवार्ड, ओरिजिनल अवार्ड जो उन्होंने डायनेमिक लिमिटेड अक्वायरी कंपनी है उसके पुरानी कंपनी है, पुरानी कंपनी के पुराने शेयर होल्डर्स को उन्होंने एक अवार्ड दे रखा था जिसका नाम है शेयर बेस पेमेंट अवार्ड, एक एंटाइटलमेंट को उन लोग ने वर्ड्स यूज किया है, अवार्ड वर्ड यूज किया है, विच गॉट रिप्लेस बाय द न्यू अवार्ड्स इश्यूड बाय द प्रोफेशनल लिमिटेड। प्रोफेशनल लिमिटेड ने उस अवार्ड को रिप्लेस कर दिया कि आपका जो अवार्ड पुरानी कंपनी में चल रहा है एम्प्लॉयज़ का, अब वो नई कंपनी में नया अवार्ड बन के आ जाएगा। तो एज पर द ओरिजिनल टर्म द वेस्टिंग पीरियड वॉज 4 ईयर्स एज ऑफ द एक्विजिशन डेट, द एम्प्लॉयज ऑफ द डायनेमिक लिमिटेड हैव ऑलरेडी 2 ईयर्स ऑफ द सर्विस। एज पर द रिप्लेस अवार्ड द वेस्टिंग पीरियड हैज बीन रिड्यूस टू 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। द फेयर वैल्यू ऑफ द अवार्ड ऑन द एक्विजिशन डेट वर एज फॉलोज। देखिए, इसकी ओरिजिनल अवार्ड की 5 लाख फेयर वैल्यू है, रिप्लेसमेंट की 8 लाख है। अब इसको आपको समझना क्या है, देखो ओरिजिनल जो है, ओरिजिनल अवार्ड की अमाउंट है 5 लाख, उसको मल्टीप्लाई बाय करना है नंबर ऑफ सर्विस, नंबर ऑफ ईयर सर्विस रेंडर्ड, सर्विस रेंडर्ड। तो 2 ईयर्स की सर्विस उन्होंने रेंडर कर दी है और टोटल था 4 ईयर्स, लेकिन यहाँ पे डिवाइडेड बाय 4 नहीं करना है, डायरेक्ट 4 नहीं करना है, उसमें विच एवर इज हायर लिखना है। अब कौन क्या क्या हायर लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ, विच एवर इज हायर डिनोमिनेटर में, तो किस चीज़ का ओरिजिनल अवार्ड टोटल पीरियड और न्यू अवार्ड टोटल पीरियड, तो ओरिजिनल अवार्ड में क्या है टोटल 4 ईयर्स है,
यहाँ पे ओ लिखता हूँ, दो बीत गए हैं, दो बाकी है, और न्यू अवार्ड्स में क्या है, और यहाँ टोटल फोर हो जाता है ओरिजिनल के, और न्यू अवार्ड्स का क्या है, न्यू अवार्ड्स में 2 साल तो उन्होंने बिता लिए पुरानी कंपनी में, और 1 साल अभी भी बिताना बाकी है, तो 3 साल हो गए टोटल पीरियड इसका, और इसका टोटल पीरियड हो गया 4 ईयर्स, तो यहाँ पे 4 ईयर्स लिखना है, 5 × 2/4 लिखना है, ठीक है, तो 5 × 2/4 जो आता है 2.5, ठीक है। अब इस ये अवार्ड आपने एम्प्लॉयज को दे दिया, तो उसको पीसी का पार्ट मानना है। अब क्यों पीसी का पार्ट मानना है वो भी आप देख सकते हो, लेकिन अब बाकी का अवार्ड का क्या हुआ, नया जो अवार्ड है आप देखिए, नया अवार्ड उसको कितना दिया गया है, अब सब में पढ़े, नया अवार्ड होगा 8 लाख का, ठीक है, न्यू अवार्ड 8 लैक्स, ठीक है, तो 8 लैक्स का अवार्ड है, उसमें से 2.5 अभी तक का आपने गिन लिया, तो बाकी का 5.5 बच गया। उन्होंने शायद इंस्टीट्यूट वाले में इस गलती की, क्योंकि पीछे जो एग्जांपल दिया उससे ये गलती हो गई है, तो 2.8 नया अवार्ड 8, इसमें से 2.5 पुराना है, तो 5.5 को पोस्ट कॉम्बिनेशन पीरियड में पीएनएल मिलने जाना है, पोस्ट कॉम्बिनेशन, और वो भी रिमेनिंग टर्म में, तो इसका रिमेनिंग टर्म ओरिजिनल न्यू अवार्ड का 2 साल बीत गया है और 1 साल बाकी है, तो अगले साल पूरा 1 साल बाकी है, अगले साल पूरा ये पीएनएल में जाएगा 5.5। इंस्टीट्यूट वाले ने इसको 2.5 लिखा है, 5 − 2.5 कर दिया है, लेकिन जो इंस्टीट्यूट का यही इसी प्रकार का सम जब एग्जाम्पल का दिया हुआ है, नौ वो पेज नंबर मैं आपको बताता हूँ, उसमें आप देख लीजिएगा, इसका पेज नंबर है 13.51। 13.51 ने ग्रीन लिमिटेड और पॉलिसन लिमिटेड का जो ओरिजिनल अवार्ड था उसमें उन्होंने 500 × 2/5 करके 200 लिया, फिर 600 में से 200 लेस किया, तो 400 को रिमेनिंग पीरियड में 200 बांटा है, तो उसको भी जो 600 − 400 किया था, तो इसको 8 − 2.5 करना पड़ेगा, तो ठीक है, उसका पोस्ट कॉम्बिनेशन पीरियड का तो कुछ पूछा नहीं है, फिर भी आपको गिनना है, अभी तो 2.5 का क्या करना है वो देख लीजिए, ठीक है, तो उन्होंने 2.5 को इक्विटी रिजर्व्स माना है, तो उसको रिजर्व सरप्लस में ले गए हैं, ठीक है, वो हम उसकी दूसरी इफेक्ट की बात करें, एक है पीसी में ऐड हो रहा है और दूसरी इफेक्ट रिजर्व एंड सरप्लस में बात करें, जैसे एम्प्लॉई जो होता है ना उसमें इस तरह से एंट्री होता है एम्प्लॉई शेयर बेस्ड पेमेंट की, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व, पहली एंट्री आपने ये कर दी 2.5 की, और दूसरी एंट्री आप करेंगे शेयर बेस, हाँ पीसी डेबिट टू एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं पीसी टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व, नहीं आपको ज़्यादा समझ में आएगा, तो पीसी में ऐड कर दिया है, तो डेबिट वाली इफेक्ट पीसी में चली गई और क्रेडिट वाली इफेक्ट उन्होंने जो कंपनी है उसकी रिजर्व एंड सरप्लस यानी अदर इक्विटी में लिया हुआ है 2.5 को रिप्लेसमेंट अवार्ड के, ठीक है, तो ये तो हो गई बात कही टोटल पीसी की, टोटल पीसी कुछ इस तरह से हुआ, देखिए शेयर्स के मिले उसको फर्स्ट पार्ट है जो हमने 70% शेयर्स उसके एक्वायर किए जो 28 लैक्स थे, उसके बदले में हमने 14 लैक्स शेयर्स दिए, 1 for every 2
1:50 × 40 का रेट लगाया तो 2,80,000, सॉरी इसमें गलती हो गई अमाउंट में, यहाँ से ज़ीरो हटा दो, में से 1,40,000 ही शेयर्स मिले, 1,40,000 × 40 जो हमने आगे किया था तो 56 लाख ये पार्ट हुआ। फिर कंटिंजेंट कंसिडरेशन था वो 35 लाख, उसका प्रेजेंट वैल्यू हुआ, जो आया था 28.93, और ये आया 2.5। तीनों का टोटल कर लीजिए, ये जो अवार्ड रिवॉर्ड जो भी बोलो, एम्प्लॉय शेयर बेस पेमेंट, तो 56 प्लस 28.93 प्लस 2.5 तो हो जाता 87.43, 87,43,000। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अब पीसी तो निकाल दिया, अब हमको उसकी नेट असेट्स ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन उसकी फेयर वैल्यू निकालनी है, फिर पीसी से कंपेयर करना है, तो हमको गुडविल या कैपिटल रिजर्व मिलेगा जो भी मिलना है। इसमें हम आपको सम में ले जाए तो एक लास्ट में सेकंड लास्ट स्लाइड में उन्होंने टैक्स रेट दिया हुआ है, तो टैक्स रेट से क्या निकलता है आपको निकलना है, उससे निकलता है डिफर टैक्स असेट या डिफर टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, आप देख लीजिए। और सम्स में एक और चीज़ दी गई है लास्ट ई पॉइंट में, वो भी आपको गिननी है। ई पॉइंट में लिखा है डायनेमिक लिमिटेड हैड अ लॉ सूट पेंडिंग विद अ कस्टमर हु हैड मेड अ क्लेम ऑफ ₹50 lakh, मैनेजमेंट रिलायबली एस्टिमेटेड द फेयर वैल्यू ऑफ द लायबिलिटी टू बी ₹5 lakh। यानी कि ये लायबिलिटी डायनेमिक लिमिटेड ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं की थी, क्योंकि उन्होंने उसको कंटिजेंट माना था, क्योंकि इट इज़ नॉट प्रोबेबल दैट आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज विल अकर। उन्होंने ऐसा माना था कि आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज एम्बॉर्डिंग आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एम्बॉर्डिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स होगा, ऐसा उन्होंने नहीं माना था। लेकिन हमको वो कंटिंजेंट लायबिलिटी को लायबिलिटी मानना है, क्योंकि बिजनेस कॉम्बिनेशन में एक एक्सेप्शन टू ये जो है कंटिंजेंट लायबिलिटी के, उन वो लोग भले ही कंटिंजेंट मान रहे हैं डायनेमिक लिमिटेड वाले, लेकिन भले ही हमारे हमको लग रहा है कि इट इज़ नॉट प्रोबेबल दैट आउटफ्लो विल हैपन, बट फिर भी हमको उसको लायबिलिटी में मानना है, क्योंकि उसमें क्या होता है कंटिजेंट लायबिलिटी में लायबिलिटी इसलिए रिकग्नाइज नहीं होती क्योंकि इट इज़ नॉट प्रोबेबल दैट एंड आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एम्बॉर्डिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल रिक्वायर टू सेटल द ऑब्लिगेशन। भले हमको लग रहा है कि उसके उसके लिए कुछ आउटफ्लो नहीं होगा, फिर भी उसको कंटिजेंट नहीं मानना है, हमको लायबिलिटी में ही ऐड कर देना है। वो उसके एक्सेप्शन टू द रिकग्निशन और मेजरमेंट प्रिंसिपल में हमने आगे देख लिया है, आप पेज नंबर 13.29 में पढ़ सकते हो। कंटिजेंट लायबिलिटी में दो कंडीशन होती है, तो पॉसिबल ऑब्लिगेशन दैट अराइज फ्रॉम पास्ट इवेंट्स होता है, और दूसरा होता है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन दैट अराइज फ्रॉम द पास्ट इवेंट बट इट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड, नॉर्मली रिकॉग्नाइज नॉट नहीं होता है, बिकॉज इट इज़ नॉट प्रोबेबल दैट एन आउटफ्लो ऑफ द रिसोर्सेज एम्बॉर्डिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल बी रिक्वायर्ड एंड द अमाउंट ऑफ द ऑब्लिगेशन कैन नॉट बी मेजर्ड विद द सफिशिएंट रिलायबिलिटी। यहाँ पे हमको भले ही प्रोबेबल नहीं है, फिर भी हम उसको कंटिजेंट लायबिलिटी नहीं लेकिन लायबिलिटी में मानेंगे। तो यहाँ पे दो चीज़ का वैल्यूएशन हो रहा है डायनेमिक लिमिटेड की असेट्स और लायबिलिटीज़ में, हम देखते हैं। एक तो कंटिजेंट लायबिलिटीज़ नहीं आ रही है, और जो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट है जो 500 का, उसको पहले ही लाइन में एडजस्टमेंट में 350 का बताया हुआ, उसके अलावा कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बाकी तो पूरा समय एंड हो जा रहा है। तो आपको सिर्फ उसका पूरा रिवैल्यूएशन करना है, देख लीजिए। तो उसकी नेट असेट्स कितनी आएगी आप देख के बताइए। देखिए उसकी नेट असेट्स अभी है कितनी,
नेट असेट्स इज इक्वल टू असेट्स माइनस टोटल असेट माइनस टोटल लाइबिलिटी, तो टोटल असेट इसकी 1380, तो आप 1380 देखो उसमें से कुछ भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वगैरह कुछ नहीं है, तो 1380 तो है ही, 1380 में से आप लेस कर दीजिए लाइबिलिटीज़ को, तो लाइबिलिटीज़ है 270, 35, 150 और 300, आप लेस करते रहिए, और 1380 माइनस 200 माइनस 70 कैलकुलेटर पे करते रहिए, माइनस 70 माइनस 35 माइनस 150 माइनस 300, ठीक है, तो ये 625 हो गई। लेकिन 625 में सबसे पहले हमको ये 500 का 350 करना है, तो इसके 150 हटा लेते हैं, तो 625 माइनस 150 वो नेट असेट्स हो गई, फिर और 25 हमें और हटाना है जो है हमारी कंटिंजेंट लायबिलिटी का, सॉरी 25 नहीं 5 है, कंटिंजेंट लायबिलिटी सिर्फ 5 है, तो 475 माइनस 5 तो 470 आ जाएगी। अगर आपको इस तरह से नहीं करना है तो दूसरी तरीके से भी कर सकते हो, नेट असेट्स आप दो तरीके से ढूंढ सकते हो, असेट्स माइनस लायबिलिटी या तो फिर इक्विटी इक्विटी प्लस इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड प्लस सॉरी इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, तो जो है 400 प्लस 225 यानी कि 625 है, 625 में एक असेट्स रीवैल्यू हो गई 150 से डीवैल्यूएशन हो गया, तो 400 माइनस 625 तो वो हो गया 125, तो 625 में से 625 में से आपने 150 लेस किया तो आ गया 475, उसमें से 5 लायबिलिटी कंटिंजेंट उसको लायबिलिटी एक्चुअल मान के 470 कर दिया, तो आपका नेट असेट्स आ गया 470, ठीक है। अब 470 तो आ गया, अब उसमें 470 में भी आपको एक दूसरी चीज़ का आप नेट असेट लिखिए, यहाँ पे मैं आपको लिखवाता हूँ, देखिए नेट असेट्स है आपकी 470, आई कैसे तो लिखते हैं, सबसे पहले आप क्वेश्चन में जाइए, क्वेश्चन में है इक्विटी शेयर कैपिटल 400 प्लस रिजर्व एंड सरप्लस 225, तो 625 हो गया, लेकिन उसमें से डी वैल्यूएशन यानी डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ पीपीई 150 से हुआ, तो ये हो गया 625 माइनस 150 तो 475 हो गया, फिर उसमें एक एडिशनल लायबिलिटी आ गई जो कंटिंजेंट थी, लेकिन हमको उसमें तो रिकग्नाइज करनी है भले ही उसका, इट इज़ नॉट प्रोबेबल दैट आउट ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज विल हैपन, तो 5 लेस करिए तो 470 आ गया, तो ये हमारी आ गई नेट असेट्स। लेकिन उसमें भी एक असेट्स में हमको देखना है कि यहाँ पे 625 में से 1755 हम क्या कर रहे हैं, 155 हम लेस कर रहे हैं लायबिलिटी जो उसकी वजह से हम 155, देखो मैं आपको समझाता हूँ, डीवैल्यूएशन यानी डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन वन फिफ्टी का हुआ और एक हुआ लायबिलिटी इंक्रीज इन लायबिलिटी, तो 5 हुआ, तो 155 है जो आपकी इतनी असेट्स कम हो गई, असेट्स की कैरिंग वैल्यू कितनी है आप देख सकते हैं, नेट असेट्स की कैरिंग वैल्यू पहले कितनी थी 400 प्लस 225 625, और अभी इसमें कितना हो गया 470 हो गया, तो कैरिंग वैल्यू इज मोर देन 47 दिस टैक्स बेस, तो आपको डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करनी होगी, सॉरी डिफर्ड टैक्स असेट्स क्रिएट करनी होगी, क्योंकि इसमें आपको अभी बेनिफिट देखो अभी आपको डेप्रिसिएशन कम करने को मिल रहा है, लेकिन बाद में डेप्रिसिएशन ज़्यादा करने को मिलेगा, तो इफ डिफर्ड टैक्स असेट्स क्रिएट होगी, सॉरी
डिफर टैक्स लायबिलिटी नहीं होगी, डिफर टैक्स असेट होगी, ये भी नहीं है। उन्होंने किस तरह से दिया इस 155 को, 155 का डिफरेंस लिया है उन्होंने, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है तो वो माइनस में आ रहा है फेयर वैल्यू, नेट एसेट्स कम हो रही है, कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है, तो 155 का डिफर टैक्स असेट आएगा। अभी ये डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन का आपको कोई कैपिटल लॉस इनकम टैक्स में बुक करने को नहीं मिल रहा है, लेकिन आगे जाके मिल सकता है, और अभी ये लायबिलिटी आप इनकम टैक्स में बुक नहीं कर सकते, कर रहे हो, लेकिन बाद में कर सकते हो, बाद में खर्चा बुक ले कर सकते हो, तो आपको अभी बुक में इतना प्रॉफिट कम दिख रहा है 155 से, लेकिन इनकम टैक्स में इतना कम नहीं दिख रहा है, इनकम टैक्स में तो बढ़ के दिख रहा है, तो इनकम टैक्स में बाद में प्रॉफिट कम दिखेगा, बाद में आपको इसका डिडक्शन मिलेगा जब आप असेट बेचोगे, तो 155 इंटू 30% का आपको डिफर टैक्स असेट्स क्रिएट करना होगा, तो 155 इंटू 30 दैट इज 46.5, और तो आपकी नेट असेट में ये डिफर टैक्स असेट इतनी ऐड हो जाएगी, आप देख सकते डिफर आपकी नेट असेट थी 470, तो नेट असेट 470 प्लस डिफर टैक्स असेट जो है आपने निकाली 155 इंटू 30%, टोटल आपकी नेट असेट्स इतनी हो जाएगी 470 प्लस 46.5, तो 516.5 ये आपने नेट असेट्स अक्वायर की है। उसके बदले में आपने पीसी दिया है, पीसी आपने निकाला था 87.3, लेकिन आपने तो 30% स्टेक पूरा अभी अक्वायर नहीं किया है, 70% स्टेक ही अक्वायर किया, तो हम गुडविल किस तरह से ढूंढेंगे देखते हैं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है आपकी 87.43 और नेट असेट्स है 516.5, तो इसमें एनसीआई एट फेयर एनसीआई एट प्रोपोर्शनेट शेयर लिखना है, तो 516.5 इंटू 30% एनसीआई ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन 516.5 इंटू 30% इज इक्वल टू 154.95 प्लस 87.93 करेंगे, सॉरी 87.43 करेंगे, 87.43 प्लस 154.95 इज इक्वल टू 241.93, और उसके सामने हमें नेट असेट्स नेट आइडेंटिफाइबल असेट्स एट फेयर वैल्यू ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन वो मिल रही है 516.5, तो हमको तो असेट्स ज़्यादा ही मिल रही है और हम पेमेंट तो कम ही कर रहे हैं, तो हमारी गुडविल आएगी इन दोनों का डिफरेंस जो है 274. आप देख लीजिए सम्स में 274.57 जी, इसमें टोटलिंग मिस्टेक है 516.5 इंटू 30% 154.95 प्लस 87.43 तो ये 242.38, ये शायद टोटलिंग मिस्टेक हो गई, और इसके बदले में हमने असेट्स मिली 516.5, तो हमको असेट्स ज़्यादा मिल गई तो हमको गेन हो गया, इट्स कॉल्ड गेन ऑन बार्गेन परचेस, और वो गेन ऑन बार्गेन परचेस दोनों का डिफरेंस होता है जो है 516.5 माइनस 242.38 274.12,
ये है गेन ऑन बार्गेन परचेस, ठीक है। तो इस तरह से कुछ आपको सम्स गिनना है। अब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको होल्डिंग का पूरा लेना है, इक्विटी शेयर कैपिटल, और सब्सिडी का कोई भी शेयर कैपिटल नहीं लेना है, या फिर सब्सिडी का कोई रिजर्व भी नहीं लेना है, क्योंकि इसमें जो भी बैलेंस शीट कंसोलिडेटेड बनानी है इमीडिएटली आफ्टर एक्विजिशन बने, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ओपनिंग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, जिस दिन एक्विजिशन हुआ उसी दिन की बनानी है, ठीक है। तो कंसोलिडेशन में हम आ जाते हैं। उसमें सबसे पहले हम वर्किंग बनाएंगे अदर इक्विटी की, और हम बनाएंगे लायबिलिटीज की। ठीक है, अदर इक्विटी में जो प्रोफेशनल लिमिटेड है उसके खुद का अदर इक्विटी कितना है वो देखिए आप। P लिमिटेड, दैट इज प्रोफेशनल लिमिटेड ओन अदर इक्विटी, और ओन ही लेना है, इसमें कोई पोस्ट शेयर तो आएगा भी नहीं। 8110 तो पहले भी था, एक्विजिशन के पहले भी, फिर उन्होंने एक हमने एक एंट्री की थी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस या टू, आपने किया था शेयर बेस पेमेंट रिजर्व, तो शेयर बेस पेमेंट रिजर्व 2.5 का किया था, फिर पीसी या फिर पीसी टू शेयर बेस पेमेंट रिजर्व किया था, तो ये शेयर बेस पेमेंट रिजर्व यहाँ पे आ जाएगा। पीसी में जो दो अलग से कंसीडरेशन दिए थे ना उसको दो अलग अलग जगह पे सेटल करना है, और एक आपने फाई की लायबिलिटी बढ़ाई थी वो सेटल करनी है, ठीक है। तो शेयर बेस पेमेंट रिजर्व 2.5 आ रहा है, फिर आपको कैपिटल रिजर्व अचीव हुआ जो अभी अभी हमने निकाला प्रीवियस पेज पे, जो 274.12, और आपने शेयर्स इश्यू किए थे 1,40,000 शेयर्स एट 30 रुपीज, तो 1,40,000 शेयर्स आपने 40 रुपीज़ के दाम पे इश्यू किए, तो 30 रुपीज़ उसका प्रीमियम हुआ, तो 1,40,000 इंटू 30 रुपीज़, तो 1,40,000 इंटू 30 रुपीज़ इज इक्वल टू 42 लैक्स हो गया, वो आपको यहाँ पे लेना है। तो टोटल आपका हो जाएगा 810 प्लस 2.5 प्लस 274.12 प्लस 42 इज इक्वल टू 1,128.62। और शेयर कैपिटल में भी बढ़ोतरी हुई है तो शेयर कैपिटल भी लिख देते हैं। सेफ कैपिटल प्रोफेशनल लिमिटेड का खुद का था 500, ओल्ड शेयर कैपिटल, फिर हमने 1,40,000 शेयर्स इश्यू किए 100 रुपीज के, तो 1,40,000 इंटू 100, तो ये अमाउंट आ गया
और उसको लेक्स में लेना है, तो लेक्स के 100 रुपीज़ का, सॉरी इसमें कितना, 10 रुपीज़ का शेयर इश्यू किया है, 100 का तो उसका ओरिजिनल था, इसको हटा लीजिए। फोर्टीन लैक है तो यहाँ पे 14 आ जाएगा, तो 5514 उसकी शेयर कैपिटल हो जाएगी, और अदर इक्विटी हो जाएगी 1128.62 जो हमने आगे निकाली है। एनसीआई हो जाएगी 154.95 जो हमने इसमें निकाली है, कहाँ गई ये रही एनसीआई। बाकी का फिगर हमको लेना है जो है, एक तो डिफर्ड टैक्स असेट, असेट में ऐड करना है, और एक है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में जो 28.93 हम कंसिडरेशन दे रहे हैं वो ऐड करना है, और 5 की लायबिलिटी फॉर लॉ सूट्स ऐड करते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं इसमें नॉन करंट लायबिलिटी का शेड्यूल, जिसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, पी लिमिटेड, डायनेमिक लिमिटेड 250 और 200 तो हो गई 450। फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, इसमें 50+70, फिर एक और है जो है आपको 28.93 आपने दिया था और 35 का प्रेजेंट वैल्यू, तो टोटल हो जाएगा 148.93। इसको सब यहाँ से यहाँ ले लीजिए। फिर डिफर टैक्स दोनों में डिफर टैक्स लायबिलिटीज है 40+35, उसमें से हम 46.5 माइनस कर देंगे जो असेट है, तो आ गया 28.5। तो हमारी नॉन करेंट लायबिलिटी टोटल हो गई 28.5+148.93+450 तो 627.43। फिर करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म बोरिंग्स वो तो सिर्फ ऐड करना है 100+250 तो 350 हो जाएगा, सॉरी 100 पर 150 है तो ये 250 हो जाएगा। फिर ट्रेड पेबल्स वो भी ऐड करना है 250+300 तो हो गया 550। फिर लायबिलिटी फॉर लॉ सूट 5 है तो 250+550+5 तो हो गया 805।
ओके। और बाकी असेट्स है तो सिर्फ आपको एक असेट्स में चेंज करना है जो है आपकी प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट में 500 की जगह 150 लेना है और 300 प्रोफेशनल लिमिट का ऐसा ही है। आप बैलेंस शीट बना सकते हो। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, इसमें ऐसा लिखना होता है कंसोलिडेटेड ऑफ प्रोफेशनल लिमिटेड पी लिमिटेड एज ऑन 1 अप्रैल 2002। अब ये जो इंड एज की बैलेंस शीट है उसमें सबसे पहले असेट्स लिखते हैं। असेट्स में नॉन करंट असेट्स, उसमें प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट जिसमें आपको सम्स में दिया गया हुआ है 300 प्लस 500, तो लेकिन 300 तो उस वैसे का वैसा ही लेना है और 500 में 150 गए तो 350 हो गए, तो ये हो गए 650। फिर इसके बाद लेना है इन्वेस्टमेंट जो सिर्फ ऐड करना है आपको। फोर हंड्रेड प्लस हंड्रेड तो फाइव हंड्रेड। इसके बाद आता है करंट असेट्स, करंट असेट्स नेक्स्ट पेज में लिख देते हैं। इसमें सबसे पहले इन्वेंट्रीज जो सिर्फ आपको ऐड करनी है 250 प्लस 150 400। फिर फाइनेंशियल असेट्स, उसमें ट्रेड रिसीवेबल कैश और अदर्स तीनों का टोटल आप कर सकते हो 750 300 630, वो टोटल करके ही मैंने लिखा है, तो पूरी बैलेंस शीट के असेट साइड का टोटल हो जाएगा 3230। फिर इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड, उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल जो हमने निकाला था 500 प्लस 14, वन लैख 40,000 शेयर्स इश्यू किए थे 10 रुपीज़ के, फाइव वन फोर। अदर इक्विटी जो 810 हमारी थी, फिर 2.5 रिप्लेसमेंट का ऐड किया, सिक्योरिटी प्रीमियम 42 ऐड किया, कैपिटल रिजर्व 274.12 ऐड किया, तो 1128.62 थी। हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं 8110 प्लस 2.5 रिजर्व्स जो है शेयर बेस पेमेंट रिजर्व, फिर है 42 शेयर प्रीमियम, 42 है सिक्योरिटी प्रीमियम,
और कैपिटल रिजर्व है 274.12। अदर इक्विटी के बाद आता है एनसीआई, एनसीआई थी आपकी 516.5 × 30, तो जो थी 154.95। फिर आपको नॉन करंट लायबिलिटीज लिखनी है, इसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, सिर्फ ऐड करना है जो होता है 450 प्लस 200, फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस उसमें 50 प्लस 70, फिर और आपका 28.93 जो कंसीडरेशन है डिफर कंसीडरेशन वो ऐड कर देना है। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी 28.5 जो हमने लाई थी 40 प्लस 35 माइनस 46.5, 28.5। फिर है करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स और ट्रेड पेबल्स तो ऐड ही करना है, ₹100 प्लस ₹150 दैट इज 250। फिर ट्रेड पेबल 250 प्लस 300 तो 550, और लॉ लायबिलिटी 5, टोटल 3230। अब टेस्ट और नॉलेज में जाते हैं, उसमें दूसरा सम हमने किया हुआ है, तीसरे सम पे आते हैं। बैंक एफ अक्वायर्स बैंक ई इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन इन अक्टूबर 2001 द लोन बाय बैंक ई टू बोरोअर बी इज रिकॉग्नाइज एट इट्स प्रोविजनली डिटरमाइंड फेयर वैल्यू। बैंक एफ ने बैंक ई को एक्वायर कर दिया और बैंक ई जो एक्वायर हो रही एक्वायरी कंपनी उन्होंने एक और लोन दे रखी थी जो लोन बोरोअर बी को दी थी, इज रिकॉग्नाइज एट इट्स प्रोविजनली डिटरमाइंड फेयर वैल्यू इन डिसम्बर 2001। अक्टूबर में एक्विजिशन हुआ, फिर डिसम्बर में एफ रिसीव्स बोरोअर्स बीस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 सितंबर 2001 विच इंडिकेट्स सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन बोरोअर बीस इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस। बेसिस दिस द फेयर वैल्यू ऑफ द लोन टू बी एट द एक्विजिशन डेट इज डिटरमाइंड टू बी लेस देन द अमाउंट रिकग्नाइज अर्लियर ऑन अ प्रोविजनल बेसिस। जो बैंक ई की असेट थी अब वो असेट की वैल्यू कम हो रही है, लेकिन हमको पता बाद में चल रहा है क्योंकि हमने एक्विजिशन तो अक्टूबर में कर दिया है और उसका साल ख़त्म सेप्टेम्बर में हो रहा है, लेकिन उसके जो स्टेटमेंट्स ऑडिट वगैरह होके आए डिसम्बर में हमारे पास, हम बैंक एफ है, इज डिटरमाइंड टू बी लेस देन द अमाउंट रिकग्नाइज अर्ली ऑन अ प्रोविजनल बेसिस।
ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर लिखा क्या आगे, डिक्रीज इन द फेयर वैल्यू, बैंक एफ अक्वायर्स बैंक ई इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन इन अक्टूबर 2001, द लोन बाय बैंक ई द बोरोअर बी द लोन बाय बैंक ई टू बोरोअर बी इज रिकॉग्नाइज्ड एट इट इज प्रोविजनली डिटरमाइंड फेयर वैल्यू इन डिसंबर 2001 एफ रिसीव इन्फॉर्मेशन दैट बोरोअर बी हैज़ लॉस्ट इट्स मेजर कस्टमर अर्लियर दैट मंथ एंड दिस इज एक्सपेक्ट टू हैव सिग्निफिकेंट नेगेटिव इफेक्ट ऑन बीज ऑपरेशन कमेंट ऑन द ट्रीटमेंट डन बाय बैंक एफ. अब इसका आंसर पढ़ते हैं. The information obtained by F subsequent to the acquisition relates to facts and circumstances that existed at the acquisition date. Accordingly, an adjustment decrease to the provisional amount should be recognized to for loan to be with the corresponding increase in goodwill. इतना आपका असेट कम हो जाएगा तो गुडविल बढ़ जाएगी. Basis this the fair value of the loan to be will be less than the amount recognized earlier at the acquisition date. The new information resulting in the change in the estimated fair value of the loan to be does not relate to the facts and circumstances that existed at the acquisition date, but rather is due to a new event, the loss of a major customer subsequent to the acquisition. Jo borrower B tha wo F jo sorry wo jo customer tha. देखो आप यहाँ पे क्वेश्चन में पढ़िए, और यहाँ पे मैं आपको सिनेरियो बना के देता हूँ. बैंक एफ ने बैंक ई को अक्वायर किया, इसका एक बोरोवर था, बैंक ई ने एक लोन दे रखी थी टू बोरोवर बी, तो पहले सिनेरियो में क्या हुआ, जो बैंक एफ ने वैल्यू किया था इसकी लोन की वैल्यू के उसके हिसाब से उन्होंने कंसिडरेशन पे किया था पीसी, समझ लो कि ये लोन की वैल्यू उन्होंने मानी थी 200, लेकिन बाद में पता चला कि ये लोन कुछ उसमें बैंक जो बैंक ई है उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिसंबर में आए, एक्विजिशन हुआ था अक्टूबर में, डेट ऑफ एक्विजिशन था अक्टूबर का और फाइनेंशियल एंड होता है सितंबर को, तो इसके जो सितंबर को फाइनेंशियल ईयर एंड है और इसके स्टेटमेंट सिर्फ दिसंबर में आ रहे ऑडिट वगैरह होके, तो ये जो इसकी बैंक बी को बोरोवर बी को जो लोन दी थी बैंक ई ने उसकी वैल्यू कम थी, उसकी सिचुएशन उसकी कंडीशंस तो एग्जिस्ट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन थी ही जब अक्टूबर में अक्वायर किया, क्योंकि बोरोवर की कैपेसिटी कम थी, वो हमको बैलेंस शीट क्योंकि उसका वो साल तो बीत ही गया था और बैक ये साल बीतने के बाद उस दिन की बैलेंस शीट सिर्फ आनी बाकी थी, साल तो सितंबर में ही बीत गया था, हमने अक्टूबर में एक्विजिशन किया तो हमको पूरी उसकी फेयर वैल्यू निकालनी थी, लेकिन हमने फेयर वैल्यू थोड़ी ज़्यादा ले ली, तो फिर इस समझ लो इसकी फेयर वैल्यू थी 120, तो जो 80 रुपीज़ है उतनी गुडविल हमें बढ़ा देनी है, इसका लॉस हो गया तो 80 रुपीज़ की गुडविल हमें बढ़ा देनी, क्योंकि उसकी जो फेयर वैल्यू थी सॉरी इसकी जो कंडीशन थी वो एग्जिस्ट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन थी कि भैया इसका वैल्यूएशन कम होने ही वाला है. लेकिन अब सिनेरियो टू में क्या हुआ है, एफ बैंक ने ई को अक्वायर किया, ई का एक बोरोवर था बोरोवर बी, उस एक्विजिशन के बाद का बोरोवर बी का एक कस्टमर जो ग्रुप था कस्टमर ग्रुप उसका अब उसकी कस्टमर नहीं रहा तो उसकी वैल्यू कम हो गई तो वो पैसे नहीं दे पाएगा, ही विल नॉट बी पे, ही विल बी एनपीए फॉर हिम,
पे जीरो, तो इसकी गुडविल पे इफेक्ट नहीं होगी। डेट ऑफ एक्विजिशन में कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। डेट ऑफ एक्विजिशन तो अक्टूबर में था, अक्टूबर के बाद ये कस्टमर का ग्रुप या कस्टमर का जो बेस था बोरोवर बी का वो चला गया, तो उससे हमारी गुडविल जो हमने जो एफ एफ ने जब ई को अक्वायर किया उस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। Therefore, based on the new information, app should determine and recognize the allowance for loss on loan in accordance with Ind AS 109, financial instruments with the corresponding change to PNL. वो PNL में एडजस्ट हो जाएगा। और 4, 5, 6 सम है, वो देखते हैं। कंपनी ए अक्वायर 90% ऑफ इक्विटी इंटरेस्ट इन कंपनी बी ऑन 1 अप्रैल 2001 फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ ₹85 करोड़ इन अ डिस्ट्रेस सेल। कंपनी ए ने बी को एक्वायर कर लिया, लेकिन बी को पैसे की बहुत ज़रूरत थी इसलिए उसने 85 करोड़ में दे दिए 90% सेक। कंपनी बी डिड नॉट हैव एनी इंस्ट्रूमेंट रिकग्नाइज इन इक्विटी, उसके पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं थे इक्विटी में। द कंपनी अपॉइंटेड अ रजिस्टर वैल्यूअर विद दोस विथ वूज असिस्टेंस द कंपनी वैल्यूड द फेयर वैल्यू ऑफ NCI एंड द फेयर वैल्यू एंड फेयर वैल्यू आइडेंटिफाइबल नेट एसेट ₹15 करोड़ एंड रुपीज वैल्यूड द फेयर वैल्यू एंड द कंपनी वैल्यूड द फेयर वैल्यू ऑफ NCI एंड द फेयर वैल्यू ऑफ NCI नेट आइडेंटिफाइबल एसेट 100 करोड़। फाइंड द वैल्यू एट एंड विच NCI हैज़ टू बी शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखो डेट ऑफ एक्विजिशन में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 85 है और NCI की वैल्यू है 15 करोड़। ठीक है, तो देखते हैं आंसर क्या है। दिस इज कंपनी ए हैज द ऑप्शन टू मेजर NCI एज फॉलोज। मेजर NCI एट फेयर वैल्यू 15 करोड़ एज डिराइव बाय द वैल्यू और ऑप्शन टू NCI एज प्रोपोर्शन ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल एसेट दैट इज 10 करोड़ 100 करोड़ इंटू 10। अब NCI वैल्यूएशन के दो तरीके हैं, इसमें कुछ सम में था नहीं, कुछ इतना ही कहना चाहता है कि भाई NCI की वैल्यू क्या है। NCI दो तरीके से मान्य, उसको फेयर वैल्यू पे उसका मेजरमेंट करो या फिर पूरी कंपनी की जो नेट असेट्स है उसमें उनका कितना आ गया। तो पूरी कंपनी की असेट्स है यहाँ पे 100 करोड़, तो 100 करोड़ का 10% 10 करोड़ करो या तो फिर उसकी फेयर वैल्यू पे गिनो तो 15 करोड़ आ जाती है। वो हमने पूरे ये NCI वाला पूरा टॉपिक मैंने पूरा एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है। फिर ऑन 1 अप्रैल 2001 कंपनी ए अक्वायर्ड 5% ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी बी फॉर ₹1 लाख। सिर्फ 5% की है अप्रैल 2001 को 1 लाख में। ए अकाउंट फॉर इट्स इन्वेस्टमेंट इन बी एट फेयर वैल्यू थ्रू OCI अंडर इंड एस 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एट 31 मार्च 2002। और कैरी ए कैरीड इट्स इन्वेस्टमेंट इन बी एट फेयर वैल्यू एंड रिपोर्टेड एंड अनरियलाइज गेन ऑफ ₹5 इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम विच वॉज रिप्रेजेंटेड एज अ सेपरेट कंपोनेंट ऑफ इक्विटी। ऑन 1 अप्रैल 2002 ए ऑब्टेन्स कंट्रोल ऑफ बी बाय अक्वायरिंग द रिमेनिंग 95% ऑफ बी। कमेंट ऑन द ट्रीटमेंट टू बी डन बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड गिवन। इसमें क्या होता है कि प्रीवियसली अक्वायर्ड जो आपका हिस्सा होता है उसको आपको रीमेजर करना होता है। आपने पहले कंपनी बी में 5% शेयर एक्वायर किया 1 लाख में, फिर आपने बाकी का 95% एक्वायर किया। लेकिन जब आपने 5% एक्वायर किया और 95 एक्वायर किया उस दोनों के दौरान, इस दो पीरियड के दौरान, दो इवेंट्स के दौरान जो पीरियड भी था उसमें 1 लाख की जो आपकी कॉस्ट का इन्वेस्टमेंट था 5% उसकी वैल्यू 1,05,000 हो गई। तो 5,000 को आपको 1 लाख को रीवैल्यू करना है। ठीक है, तो और उसके हिसाब से आपको उसकी कॉस्ट और उसका गेन गिनना है। उसका आंसर पढ़ते हैं। एट द एक्विजिशन डेट ए रिकग्नाइज द गेन ऑफ ₹5,000 इन OCI एज द गेन और लॉस इज नॉट अलाउड टू बी रिसाइकल टू इनकम स्टेटमेंट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ इंड एस 100। एक बार आपने OCI में 5,000 को ले लिया तो हमेशा OCI में ही ले जाना है, फिर आप उसको PNL में नहीं ले जा सकते। ठीक है, भले ही वो आपका गेन रियलाइज हो चुका है। एज इन्वेस्टमेंट इन बी वुड बी एट फेयर वैल्यू एंड देयरफॉर डज नॉट रिक्वायर मेजरमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ द बिजनेस कॉम्बिनेशन।
The fair value of the 5% investment, 100 like 105,000 plus the fair value of the consideration for the 95% newly acquired interest is included in the एक्विजिशन अकाउंटिंग. उन्होंने फेयर वैल्यू पे तो ले ही लिया है 1,00,005,000, तो उसको तो रीमेजरमेंट करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, और 5,000 को भी OCI के OCI में ही पड़े रहने दो, बस इतना ही समझता, और कुछ नहीं कहना चाहता है. कंपनी ए अक्वायर 70% ऑफ कंपनी एस ऑन 1 जनवरी 2000 फॉर कंसिडरेशन ट्रांसफर रुपीज़ 5 मिलियन. 5 मिलियन में आपने 70% स्टेक खरीदा एस कंपनी का सब्सिडरी कंपनी. कंपनी ए इंटेंस टू रिकॉग्नाइज द NCI एट प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ द आइडेंटिफाइबल नेट असेट्स विद द असिस्टेंस ऑफ सब्सिडरी असिस्टेंस ऑफ अ सुटेबली क्वालिफाइड वैल्यूएशन प्रोफेशनल. ए मेजर्स द आइडेंटिफाइबल नेट असेट ऑफ बी एट 10 मिलियन. ए परफॉर्म्स अ रिव्यू एंड डिटरमाइंस दैट द बिजनेस कॉम्बिनेशन डिड नॉट इंक्लूड एनी ट्रांजेक्शन दैट शुड बी अकाउंटेड फॉर सेपरेटली फ्रॉम द बिजनेस कॉम्बिनेशन. स्टेट वेदर द प्रोसीजर फॉलोड बाई ए एंड द रिजल्टिंग मेजरमेंट्स आर अप्रोप्रिएट और नॉट एंड कैलकुलेट द गेन ऑन बार्गेन परचेस. The amount of B's identifiable net asset exceeds the fair value of the consideration transferred plus the fair value of the NCI and be resulting in initial recognition of a gain on a bargain purchase. Accordingly, A reviews the procedure it used to identify and measure the identifiable net assets acquired to measure the fair value of both the NCI and the consideration transfer and to identify transactions that were not part of the business combination. यानी कि जब भी गेन ऑन बार्गेन परचेस आता है, आपको जो भी प्रोसीजर्स आपने नेट आइडेंटिफाइबल असेट्स की फेयर वैल्यू निकालने में निकाली है करी है जो प्रोसीजर्स, या तो फिर जो NCI की वैल्यू निकालने में करी, उसको रिव्यू करना है. ठीक है, हम इस सम्स को दोबारा समझते हैं. ए अक्वायर 75% इन 5 मिलियन, तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गई 5 मिलियन. यहाँ पे लिखते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ 75% स्टेक इज 5 मिलियन, दैट इज 50 लाख प्लस NCI. NCI कौन से वैल्यू पे लिए उन्होंने? प्रोपोर्शनेट सेट ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल असेट्स. तो 75% है तो 35% NCI हुई, तो 35% ऑफ 10 मिलियन तो कितना हुआ? 30 लैक्स हुआ NCI. तो ये हुआ 80 लैक्स और नेट आइडेंटिफाइबल असेट्स है 10 मिलियन, यानी कि 1 करोड़ की. तो 20 लाख का गेन हो गया. ये गेन का कैलकुलेशन ज़्यादा इम्पोर्ट नहीं है, गेन कैपिटल रिजर्व गेन ऑन बार्गेन परचेस. ये क्वेश्चन क्या कहना चाहते हैं कि आपको ये जो भी प्रोसीजर यूज़ की गई इसकी वैल्यू निकालने की, इसकी वैल्यू निकालने की, उसको आप रिव्यू करो. गेन ऑन बार्गेन प्रोसेस जब भी होता है तब आपको उसको रिव्यू करना जरूरी है. तो यहाँ पे ही हमारा ये बिजनेस कॉम्बिनेशन का जो CA फाइनल मॉड्यूल का समझे वो ख़त्म हो जाता है. ठीक है, थैंक यू. आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए. थैंक यू.